नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरएम सिविल सर्विस एकेडमी। मैं तीरथ अहिरवार एक बार फिर आपके साथ जुड़ गया हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोगों का जो नंबर सिस्टम सीरीज जो चल रही थी सभी क्वांटिटी एग्जामिनेशंस को टारगेट करते हुए, ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी चीज़ें हम लोग सीख भी चुके हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी, ठीक है। तो वीडियो को जो है कम्प्लीट देखा करो। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा वीडियो की लेंथ ज़्यादा है तो आप उसकी स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, लेकिन ठीक है, यदि जो बिगनर हो तो उसको नॉर्मल स्पीड में ही देखना है, ठीक है। अच्छे से ध्यान से आप लोग देखोगे तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे, और सारी चीज़ें यदि आप प्रॉपर नोट्स बना के यदि तैयार करेंगे तो जो भी आपके आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, जिसको भी आप टारगेट कर रहे हैं, आपका चाहे वो पटवारी हो, चाहे आपका वो MBBS हो, चाहे आपका वो SSC का हेड कॉन्स्टेबल का पेपर हो, CPO का पेपर हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए एक सिंसेरिटी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो जो यदि आपको पता है कि ये चीज़ मुझे नोट डाउन करनी है कॉपी में, तो उसे प्रॉपर नोट डाउन करते हुए नोट्स बनाते हुए चलेंगे, तो जब आप रिविज़न करेंगे तो दोबारा आपको वीडियो को देखना नहीं पड़ेगा, आपकी कॉपी में सारी चीज़ें रहेंगी, आप रिकॉल कर पाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हमारा जो लास्ट था वो यूनिट डिजिट पे बेस्ड था। यूनिट डिजिट मैंने आपसे कहा भी था कि नंबर सिस्टम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं, है ना, तो उसमें नंबर सिस्टम देखो कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स में बटा हुआ है ना, उससे कई सारे प्रश्न बनने के संभावना होती भी है, आप लोगों को पता है। तो हमें सारे ही टॉपिक्स कवर करने, भले उससे एक क्वेश्चन रोटेशन में आपके शिफ्ट में चाहे आए या किसी दूसरे के शिफ्ट में आए, लेकिन हमें पढ़ना सारी चीज़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें लिंक्ड रहती हैं, है ना। तो हमने भी सारी चीज़ें तो देखी, वो लिंक्ड वाइज देखी, कोरिलेटेड ही होती रही चीज़ें। जो आपने पुराना पढ़ा है वो आगे आने वाले सभी लेक्चर्स में कहीं ना कहीं यूज़ हुआ है, ये आपको दिखाई दे ही रहा होगा। तो आज के हम इस सेशन में बात करने वाले हैं किसकी, फैक्टर्स निकालने की, गुणनखंड निकालने की, है ना, गुणनखंड की संख्या आपको निकालनी है, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज निकालना है, जिसे हम लोग कहते हैं कि किसी एक्सप्रेशन में पीछे से जो शून्यों की संख्या होगी वो क्या होगी, वो हमें निकालना है, ठीक है। तो आज के इस सेशन में हम लोग ये एक छोटा सा सब टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिएगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो आपके पास क्या होगा कि कोई भी नंबर रहेगा, ठीक है, कोई आपके पास संख्या दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि संख्या के कितने डिवाइजर हैं, ठीक है, इसके कितने भाजक, इसके कितने गुणनखंड हैं, मतलब इस संख्या को किस किस नंबर से भाग दिया जा सकता है वो आप बताइए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि मैंने कोई आपको एक नंबर लिख दिया, मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 24, तो यदि मैं आपसे ये कहूँ कि जो 24 नंबर लिखा है, जो 24 संख्या लिखी गई है, इस 24 संख्या को 1 और 24 को मिलाकर और किन किन संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, ठीक है, आपसे क्या कहा जा रहा है कि इस 24 को 1 और 24 को मिलाकर, है ना, 1 और 24 को इंक्लूड करके कहा गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 24 को किन किन नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, मतलब 24 में किस किस संख्या से इसमें भाग दिया जा सकता है, उन संख्याओं की आपको संख्या बतानी है, वो संख्याएं आपको डिटरमाइन नहीं करनी है बिल्कुल भी, ये ध्यान रखिएगा। वो कभी भी आपसे टोटल नंबर ऑफ डिविजन या भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, तो ये आपसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे जाएंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा जाएगा। तो आपसे यदि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बोलेगा तो नाम से समझ में आ रहा है कि आपको कुल गुणनखंडों की संख्या चाहिए, वो कौन कौन से गुणनखंड है वो आपको निकालने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको करना क्या होगा कि कोई भी यदि आपके पास नंबर दिया जाएगा तो उस नंबर के सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। पहला काम आप लोगों का ये होगा कि आप उस नंबर के क्या कर देंगे भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, आप उस नंबर के क्या कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, पहला काम आप लोगों का यही होना चाहिए, ठीक है भाई। तो कोई भी यदि आपको संख्या दी जाए तो सबसे पहला आप काम ये रहेगा कि कोई भी संख्या दी जाए, चाहे वो 720 दे दे, 2450 दे दे, 1200 दे दे, ठीक है, 2530 दे दे, कोई भी यदि आपको संख्या दी गई है तो पहला आपका काम ये होगा कि आप उसके सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। ये सभी को आता है यार, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी, सभी ने क्लास 6 में पढ़ा हुआ है, कक्षा 6वीं ने सभी ने पढ़ा है कि 24 लिखा है जैसे, तो 24 के यदि आप गुणनखंड लिखोगे तो कैसे लिखोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, तो ऐसे डिब्बा नहीं बनाना है, कई लोगों को डिब्बे बनाने की आदत होगी, इस प्रकार से डिब्बा बना लेते हैं, वो बचपन में किया करते थे, अपन थोड़ा सा क्या हो गया, सब चीज़ें सीख गए, हमें बहुत सारी चीज़ें आने भी लगी हैं किस प्रकार से हम कर सकते हैं, तो उसे ब्रेक कर लिया करो। जैसे दिख रहा है आपको कि यार 24 है,
तो 24 को हम प्राइम नंबर्स के ही प्रोडक्ट में ब्रेक करना चाह रहे हैं, तो कैसे लिख सकते हैं भाई? 8 तिया 24 होता है, 8 तिया 24 होता है। और 8 तिया 24 इसलिए मैं लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि 8 जो है वो 2 की पावर है, प्राइम नंबर 2 की पावर के रूप में लिख सकते हैं। ये लिखा हुआ है 2 की घात 3, वही 3 की घात कितना लिखा है? 1 लिखा है। तो ये 24 के 24 के आपके अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको आपने अभिव्यक्त कर दिया। तो पहला काम आपका ये होगा कि किसी भी संख्या को आप सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स में क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे, जहां पर ए बी सी और ये डी इस प्रकार से जो नंबर आ रहे हैं ये सभी अभाज्य गुणनखंड है। ये कौन सी संख्या है भाई? ये सब अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। और ये जो पी क्यू आर एस ये जो दिख रही हैं ये सब उनकी घाते हैं, ये सब उनकी क्या है? घाते हैं, ठीक है। घात कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कुछ भी घात हो सकती है। तो जो ए बी सी डी जो बेस में दिखाई दे रहे हैं वो नंबर आपके अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। वो आपके प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। जैसे 2 है 3 है 5 है 7 है 11 है 13 है, आपने पढ़ी लिए प्राइम नंबर्स होते क्या क्या है। जैसे कभी यहाँ लिखा है 12 की घात 2 लिखा है ना, 36 की पावर 4 लिखा हुआ है, 49 की पावर 3 लिखा हुआ है, इस प्रकार से भी नंबर कभी कभी दे देते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि सबसे पहला काम इसको आप बनाएंगे किसमें, प्राइम फैक्टर्स के रूप में पहले उसे लिखेंगे, उसके बाद अपना जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आप आंसर करें, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, पहला काम आपका होगा कि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या आपको दी जाएगी तो वो संख्या नॉर्मली एक कंपोजिट नंबर रहेगा, एक संयुक्त संख्या रहेगी बड़ी सी, उसके आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। कभी कभी वो संख्या इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर देता है, जैसे 12 × 36 × 49 × 50 ऐसे कर करके कुछ घात लगा के दे देगा, तो उसमें भी आपको नंबर है तो बड़ा, लेकिन अब की बार उसने पूरा कंपोजिट नंबर एक साथ ना देके थोड़ा सा फैक्टराइज करके दिया, लेकिन ये जो फैक्टराइजेशन है ये फैक्टराइजेशन भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं था, वो आपको करना पड़ेगा। तो आपने पहले इसे ब्रेक कर लिया, प्राइम नंबर्स के पावर के रूप में आपने इसे लिख लिया, उसके बाद अपना अपना आंसर करेंगे। अब कैसे करना है भाई, आंसर कैसे निकलेगा? जो भी आपने नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखा तो उसकी जो भी घातें आएंगी उस घात में यदि आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए है, कुल गुणनखंडों की संख्या यदि आपको चाहिए है, कुल गुणनखंडों की यदि आपको संख्या चाहिए होगी तो आप उसकी घात में एक जोड़ जोड़ के सबको आप गुणा करते जाएंगे। जैसे ए की पावर पी लगी तो p+1 × q+1 × r+1 × s+1 × so on, ठीक है। तो जो भी उसकी घात होगी उसमें एक जोड़ जोड़ के बाकी सबको मल्टीप्लीकेशन करते जाइएगा, तो आपके यहाँ से कुल गुणनखंडों की संख्या निकल कर आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हैं, बस एक काम आपको करना है, उस संख्या के आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। अच्छा, दो चीज़ें और लिखी गई यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, उन गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा और उन गुणनखंडों का योगफल कितना होगा, उन गुणनखंडों का योगफल कितना होगा और उन गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा, गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा, ये जनरली बहुत कम पूछा जाता है परीक्षाओं में, ठीक है। ज़्यादातर आपको ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा पहला वाला, इसलिए पहले वाले पर फोकस करिएगा, लेकिन हम क्या है कि सारी चीज़ें जानते हैं, ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें निकाली जा सकती हैं, बोलिए हमारी एग्जामिनेशन में वो पूछे या ना पूछे, हमारे वो कॉपी में प्रॉपर नोट्स होने चाहिए कि यदि कभी हमें गुणनखंडों का योगफल यदि निकालना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे। जो भी प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं उसमें सबसे पहले जो पावर होगी 0 से स्टार्ट करके उस पावर तक लेकर जाना है, a की पावर 0 + a की पावर 1 + a की पावर 2 + a की पावर 3 + a की पावर p तक लेके जाना है। यदि b की पावर क्यों है तो b की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, इंटू करना है, प्लस b की पावर 1 b की पावर 2 b की पावर 3 b की पावर 4 से लेके b की पावर q तक एडिशन कर देना है, जो कि जनरली gp का काम करेगी। c की पावर यदि r लगा है तो आप क्या करोगे, c की पावर 0 + c की पावर 1 + c की पावर 3 c की पावर 4 and so on c की पावर r तक इस प्रकार से आप मल्टीप्लीकेशन करते जाएंगे, तो ये आपके उन गुणनखंडों का योगफल दे देगा। और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कैसे निकलेगा, जो भी आपके पास नंबर ऑफ फैक्टर्स आपने टोटल निकाले हैं उसका आधा करके उसी नंबर की पावर में लगा दीजिएगा, तो आपके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकल कर आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता दे रहा हूँ, सारी चीजें पर निकाल लेते हैं। चलिए देखो जरा, यहाँ पर चलिए देखो, मैंने एक फॉर एग्जांपल 24 नंबर लिख दिया,
24 मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा, कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, मैं सिंपल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप देख कर पहचान पाओ, ठीक है। ये 24 आपने नंबर लिखा और अभी हमने देखा कि 24 के जो हमने अभाज्य गुणनखंड लिखे वो लिखा 2 की घात 3 इंटू 3 की घात कितना 1 लिखा, क्लियर है, ये हमने लिखा। अब यदि हमको यहाँ से कुल गुणनखंडों की संख्या चाहिए, कुल गुणनखंडों की यदि हमें संख्या चाहिए होगी तो हमें करना क्या होगा, अभी हमने बोला कोई भी यदि नंबर दिया जाएगा तो 1 की घात यदि P है, B की घात यदि Q है, C की घात यदि R है, D की घात यदि S है, इस प्रकार से चलता चला जाएगा, तो बस उसकी घात में हमें 1 जोड़ते जाना है, हमें उसकी घात में क्या जोड़ते जाना है, 1 जोड़ते जाना है, बस सबका गुणा करते करते जो आप रिजल्ट देंगे वही आपका जो रिजल्ट होगा वो कुल गुणनखंडों की संख्या कहलाएगा या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कहलाएगा। अब यहाँ दिख रहा है 2 की घात 3, 2 की घात 3 आपने लिख दिया 3+1 इंटू 1+1, तो 3 और 1 हो गया 4, 1 और 1 हो गया 2, तो 4 दूनी कितना हो गया 8, ये 8 हमारा क्या हो गया भाई आंसर हो गया, 8 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब आपको मैं इसको प्रूफ करके बता दे रहा हूँ, ये 24 है आपका, ठीक है। अब 24 में जरा 24 के फैक्टर लिखते हैं अपन, और फैक्टर जनरली उसी नंबर से स्टार्ट किया करो, जैसे 24 है तो हमने 24 से स्टार्ट किया, 24 में 24 से भाग चला जाएगा, उसके बाद किससे भाग जाएगा 12, उसके बाद 8, उसके बाद 6, उसके बाद 4, 3, 2 और 1, ये आपने टोटल फैक्टर्स लिख लिए थे, कुछ काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो हमारे जो कुल गुणनखंडों की संख्या है वो हमारी 8 है, ये हमारा आंसर था। लेकिन यदि आपसे बोले वो कौन कौन से हैं तो आपको दिखने चाहिए, देखो 24 से 24 हम भाग कर सकते हैं, 12 से, 8 से, 6 से, 4 से, 3 से, 2 से और क्या फाइनली 1 से, तो 1 और 24 को मिला के, 1 और उसी नंबर को मिला के जो कुल गुणनखंडों की संख्या हुई है वो हमारी कितनी हो गई 8। यदि मैं पूछूं कि वो कौन कौन से थे वो आपको दिख रहे हैं, तो क्या होता है कि ये तो छोटा नंबर था इसलिए आपने पहचान लिया, दिख भी रहे हैं आपको, मेरे को यदि बड़ा सा नंबर दे दूँ 2, 4, 5, 0, क्या आप इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऐसे आप दिखा पाओगे बनाकर, नहीं। तो आपसे जनरली इसीलिए सिर्फ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे जाएंगे, आपसे बोला जाएगा कि कुल गुणनखंडों की सिर्फ संख्या बताइए, वो कौन कौन से ये मत बताइए, ठीक है। तो आपको यदि सिर्फ कुल गुणनखंडों की संख्या चाहिए तो पहला आपका काम यही होगा कि उसके आप अभाज्य गुणनखंड कर दें और उसकी घात में 1 जोड़ के बस गुणा करते जाइए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। 3 और 1 कितना हो गया 4, 1 और 1 कितना हो गया 2, 4 दूनी कितना हो गया 8, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, क्लियर है भाई, क्लियर है। चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा एक चीज और ध्यान से देखिएगा, ये हमारे टोटल 8 आ गए, ठीक है। अभी आपने कुल गुणनखंडों की संख्या निकाली, अब आपसे क्या पूछा जाएगा विषम गुणनखंडों की संख्या और सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या और सम गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछा जाएगा, तो आप क्या करोगे, आपसे सम गुणनखंडों की संख्या पूछा जाएगा और विषम गुणनखंडों की संख्या पूछा जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स और ये है इवन फैक्टर्स। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जब आप कोई भी नंबर लिखते हो और जब आप उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, क्या करोगे आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर रहे हैं, ये आपको दिख रहा है कि 2 की पावर 3 आया इंटू 3 की पावर 1 आया, आपने नंबर सिस्टम स्टार्टिंग से ही पढ़ा था, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था, आपने इवन नंबर्स और ऑड नंबर भी देखे थे और आपको ये पता था कि इवन नंबर में ऑड का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इवन में यदि इवन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आएगा, इवन नंबर ही निकल कर आएगा। तो आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे देखो जरा, जब हमने टोटल फैक्टर्स लिखे भी हैं तो हमारे जो विषम गुणनखंड है वो कितने हैं, केवल 2 है और बाकी सारे के सारे क्या है, इवन फैक्टर्स हैं, बाकी सारे के सारे क्या है हमारे इवन फैक्टर है। सम गुणनखंडों की संख्या ज्यादा है और विषम गुणनखंडों की संख्या क्या है, कम है, क्यों, क्योंकि 2 आ गए, क्या आ गया आपके पास, 2 आया, तो जब भी 2 आएगा मतलब 2 आपका एक प्राइम नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर होता है, तो इसीलिए आपके इवन गुणनखंडों की संख्या ज्यादा है और ऑड गुणनखंडों की संख्या आपकी क्या है, कम है। उस केस में आप क्या करेंगे, हमेशा आप क्या निकाला करो, पहले विषम गुणनखंडों की संख्या पहले निकाल लो और इवन गुणनखंडों की संख्या जो इवन फैक्टर्स हैं आपके उनको आप निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको दिख जाएगा अभी देख लीजिए जरा। ऑड फैक्टर्स निकालने तो फिर दिक्कत क्या कर रहा है, सिर्फ 2 कर रहा है ना, क्योंकि 2 प्राइम नंबर आ रहा है, तो एक काम करते हैं ना, 2 नहीं लेते, मतलब 2 के सेम फॉर्मूला है, फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूले में कोई बिल्कुल चेंज नहीं होगा, जो फॉर्मूला हमारा था P+1 × Q+1 × R+1 × S+1 एंड सो ऑन,
यही सेम फॉर्मूला है, लेकिन बस आप ये फॉर्मूला जो है सिर्फ 2 की पावर के लिए अप्लाई मत करिएगा, बाकी जितने भी इसके प्राइम फैक्टर्स है 3 है 5 है 7 है 11 है 13 है सब में फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। एक और एक कितना हो गया आपके पास 2, तो हमारे टोटल जो ऑड फैक्टर्स आ गए वो 2 हो गए। पावर में हमने 1 जोड़ दिया, बस 3 ही था, 5 तो था नहीं या 7 तो था नहीं, होगा तो आप उसको नोट डाउन करेंगे। नाउ अब यदि आपको इवन फैक्टर्स चाहिए हैं, यदि सम गुणनखंडों की संख्या चाहिए होगी आपको, तो आप क्या करेंगे, अब आपको पता है कि यार टोटल फैक्टर्स हमने निकाल लिए, हमने ऑड फैक्टर्स निकाल लिए, तो आपको पता है यार किसी भी टोटल फैक्टर्स में इवन फैक्टर्स होंगे और ऑड फैक्टर्स होंगे, तो यदि आपको इवन फैक्टर्स चाहिए हैं तो टोटल फैक्टर्स में से आप क्या कर लेंगे, ऑड फैक्टर्स को माइनस कर लीजिएगा, कुल गुणनखंडों में से आप विषम गुणनखंडों की संख्या माइनस कर लीजिएगा। टोटल 8 थे, 8 में से 2 चला गया, तो आपका आंसर कितना हो गया भैया, 6 हो गया। ठीक है, तो कभी भी यदि आपको ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा पूछी जाएंगी, कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या, तो सबसे पहले आप कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना, आपको पता चली गया है, उसके बाद आप विषम गुणनखंडों की संख्या निकालो। विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए बस 2 वाले की पावर में ये रूल अप्लाई नहीं करना है, फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, बाकी जो आपके प्राइम नंबर्स बचे हैं सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, पावर में 1 जोड़ जोड़ के गुणा करना है। जैसे आपने यदि विषम गुणनखंडों की संख्या या ऑड फैक्टर्स निकाल लिए, तो उसके बाद आपका काम होगा इवन फैक्टर्स निकालने का, जो कि कुल गुणनखंडों में से ऑड फैक्टर्स को आप माइनस कर लीजिएगा, आपके क्या निकल कर आ जाएंगे, इवन फैक्टर्स निकल कर आ जाएंगे। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया हो आप लोगों को, ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए ये देखो जरा, हमारा ये टोटल फैक्टर्स होगा, इवन फैक्टर्स के लिए लिखा हुआ है यहाँ पर चीज है, एक और तरीका है यहाँ पे स्लाइड में लिखा हुआ है, एक और तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि आपको इवन फैक्टर्स चाहिए होगा तो देखो क्या करना है, 2 की पावर जो भी है ना 3 है 5 है उसको आपने अलग लिख लिया और बाकी के प्राइम फैक्टर्स को आपने अलग कर लिया, तो जो 2 की पावर जितनी भी होगी उसकी पावर में एक ऐड नहीं करना, वैसा का वैसे लिख दो। जैसे अभी आपने देखा क्या कि आपने देखा यहाँ पर कि 24 था, आपने देखा कि 24 था यार, अब 24 में 2 की पावर 3 था और 3 की पावर 1 था, तो आप क्या करेंगे 2 की पावर 3 को वैसा का वैसे लिख देंगे और ये 1 में जो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 दूनी 6, देखो तब भी हमारा 6 आया था जब हमने 8 में से 2 माइनस किया था, तो ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको सीधा इवन फैक्टर्स चाहिए है तो 2 की पावर जितनी भी है उसमें 1 ऐड नहीं करेंगे, सिंपल उसको लिखकर बाकी के प्राइम फैक्टर्स में 1 ऐड कर करके आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, आपका रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। अब जब आपसे यदि कुल सम भाजकों की यदि संख्या आपको पूछी जाएगी, तो हो सकता है कि यदि आपसे वो उन सम फैक्टर्स का इवन फैक्टर्स का यदि वो योगफल भी पूछ ले, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो 2 की पावर यहाँ पे 1 से लेना है, 0 से नहीं लेना, हमने जनरली 0 से लिया था, तो 2 की पावर 1 से लेके 2 की पावर p तक जाएगा, फिर 1 की पावर 0 से लेके बाकी में कोई चेंज नहीं होगा, बस एक छोटा सा माइनर चेंज ये है कि 2 आपका इवन प्राइम नंबर है, इसीलिए हम यहाँ पे 2 की पावर 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर p तक ले जाकर बाकी का प्रोसेस सेम है जो कि हमने टोटल के लिए निकाला, लेकिन जनरली बहुत कम चीज़ें आती हैं इस पर, तो ज़्यादा ध्यान नहीं भी दोगे तो चल जाएगा। आपको सिर्फ इतना निकालना आना चाहिए कि टोटल फैक्टर्स क्या होते हैं, टोटल डिवाइजर्स आपके क्या होते हैं, इवन फैक्टर्स और ऑड फैक्टर्स, ये 3 चीज़ें आपको निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी आप नोट कर लीजिए, आपको ये पता होना चाहिए कि निकालते कैसे हैं, वो आपसे एग्जाम में पूछे चाहे ना पूछे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि निकलता कैसे, लेकिन ज़्यादातर मैंने आपको बता ही दिया कि क्या पूछा जाएगा परीक्षा में, तो आप उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। चलो ऑड फैक्टर्स मैंने बताई दिया, आपको ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करना है, 2 की पावर को बस नहीं लेना है और बाकी जितने भी पावर्स है उसमें 1 ऐड कर करके मल्टीप्लिकेशन करना, आपके पास निकल के आ जाएगा। और सम ऑफ ऑड फैक्टर्स के लिए वही है कि भाई आपको जब ऑड फैक्टर्स का ही सम चाहिए तो आप 2 की पावर जो भी होगी आप उसको लेंगे नहीं, तो बस आप बाकी जो बचा उसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, 1 की पावर 0 से लेके 1 की पावर पी तक, पी की पावर 0 से लेके बी की पावर आर तक, सी की पावर 0 से लेके सी की पावर जो भी लगी हुई है वहाँ तक मैक्सिमम लेके जाइएगा, अपना आंसर निकाल लीजिए। फिर भी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो सिर्फ ऑड फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स और टोटल फैक्टर्स यही पूछे जाते हैं, सम वगैरह बहुत कम पूछा जाता है, जनरली सिलेबस कैट वगैरह का है, जो भी आपके जो एमबीए वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं कैट है, जीमैट है, टॉफिल, तो उसमें जनरली ये सारी चीज़ें आती हैं, आपको इतना ज़्यादा नहीं देखना है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे एमपीपीएससी हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल का भी हो, तो उसमें सिर्फ आपसे यही पूछा जाएगा, कुल भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करेंगे।
चलिए इधर लास्ट हमने तीन देख लिए फैक्टर्स निकालना, एक लास्ट फैक्टर और है प्राइम फैक्टर्स, और पूछा जाता है भाई प्राइम फैक्टर्स बताइए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो ध्यान रखना क्या पूछा है उसने, यदि वह अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है तो आपने जो भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस किया था उसमें आप वन ऐड नहीं करना है भाई, सीधा उनकी पावर्स को प्लस कर दीजिएगा, जितनी भी पावर हैं पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस से लेके जहाँ तक जा रही हैं उन सबको नॉर्मली ऐड कर देना। जैसे यदि 24 था तो 2 की पावर 3 था, 3 की पावर 1 था तो 3 और 1 कितना हो गया 4, ये 4 आपके क्या हो जाएंगे कुल अभाज्य गुणनखंडों की क्या हो जाएगी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या बन जाएगी वो आपकी क्या बन जाएगी, कितनी बन जाएगी आपके पास टोटल 4 बन जाएगी। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा। तो प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए भी आता है, तो प्राइम फैक्टर्स की संख्या यदि निकाली जाएगी तो बस प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उनकी सिंपली पावर्स को ऐड कर देना है आपको और कुछ भी नहीं करना। तो चार चीज़ें आपने देख ली, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन प्रश्न बिल्कुल आएंगे और आप आराम से अपने नंबर गेन कर सकते हैं। टोटल फैक्टर्स निकालना, ऑड फैक्टर्स निकालना, इवन फैक्टर्स निकालना और प्राइम फैक्टर्स निकालने, चार चीजें भी आपने देखी। इसी पर अभी हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद हम नंबर ऑफ जीरोस निकालना सीखेंगे। ठीक है, चलिए एक और चीज यहां पे लिखिए, सम ऑफ कोई प्राइम फैक्टर्स निकालना है तो a * p + b * q + c * r एंड सो ऑन, इस प्रकार से आपको करते चले जाना, मतलब जो भी पावर लगी है उसमें उस बेस से गुणा कर दीजिएगा, जो भी पावर लगी उसको उसमें बेस से गुणा करके सम करते जाइएगा, तो सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकलकर आपके सामने निकलकर आ जाएगा। क्लियर है, मैंने आपको बता ही दिया कि जो जो इंपॉर्टेंट है वो आपको निकालना है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो आपको नहीं निकालना। 24 नंबर आ गया, हमने हालांकि सारी चीज़ें निकाल ली फिर भी जो जो चीज़ें और पूछी गई वो हम सब निकाल लेते हैं एक बार में। तो ये 24 है, बाकी और भी नंबर है, ऐसा नहीं कि 24 ये अपन कर आए हैं तो वही करेंगे एक ही नंबर। ठीक है, 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1 है। चलिए पहले हम निकालते हैं टोटल फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स निकालने के लिए हमको तो पता है 3 और 1 4, 1 और 1 2, तो 4 × 2 कितना हो गया 8, ये हमारे क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलो ऑड फैक्टर्स निकाल लेते हैं, ऑड फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ऑड फैक्टर्स कैसे निकालता है देखो, ऑड फैक्टर्स निकालना है तो ऑड फैक्टर्स भी हमने देखा इवन हमको नहीं लेना है, ये कितना हो गया 1 1 + 1 कितना हो गया 2, ये टोटल हमारा 2 हो गया। हमको इवन फैक्टर्स चाहिए, विषम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या चाहिए, तो टोटल में से माइनस कर लेते हैं, 8 में से 2 चला गया 6, या फिर 3 और 1 + 1 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 6, तब भी सही है। चलो ये आ गया, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स क्या करेंगे सबको जोड़ लेंगे, 3 और 1 कितना हो गया 4, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्या पूछा, सम, सम ऑफ फैक्टर्स पूछा। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स पूछा, गुणनखंडों का योग पूछा, देख लेते क्या करना है हमें, जो भी बेस है आपका जो भी प्राइम नंबर है उसको 2 की पावर 0 से लेके उस पावर तक लेके जाना है जितना यहाँ पे दिया गया है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर कितना 3, 3 तक गया था, 3 तक कर लिया मल्टीप्लीकेशन, 3 में भी अप्लाई करो, 3 की पावर 0, 3 की पावर कितना 1, ये हमारा आंसर हो गया। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 + 2 + 4 + 8 × 1 + कितना हो गया 3, ये हो गया 8 × 2 = 10, 10 × 5 = 15, 15 और ये 4, 15 × 2 = 60, तो हमारा जो सम ऑफ फैक्टर्स है वो निकल कर आ गया कितना 60। ठीक है, समझ आ गई। तो यदि वो सम भी पूछेगा ना तो वो ऐसा बड़े नंबर में नहीं पूछेगा, वो थोड़ा छोटा नंबर रहेगा जहाँ पे वो आप कैलकुलेटिव ना हो, आप आराम से निकाल पा रहे हो तभी वहाँ पे वो पूछेगा, ऐसे कहीं पर भी कुछ भी नहीं पूछ ली जाएंगी चीज़ें पूछेगा। अभी तो देखो छोटा प्रश्न था, फैक्टर्स भी ज़्यादा नहीं बन रहे थे तो आराम से चीज़ें सारी वो पूछ सकता था। टोटल फैक्टर्स कैसे निकले, ऑड फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना होगा तो बस हमें 3 की पावर 0 3 की पावर 1 यही करना है, सम ऑफ इवन फैक्टर्स चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ इवन फैक्टर्स में हम क्या करेंगे 2 की पावर 1 से लेंगे, 2 की पावर 0 से नहीं लेंगे। ठीक है, तो 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 × 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 हमारे सम गुणनखंडों का योगफल निकल कर आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने आपसे बार बार कह दिया कि ये चीज़ें कम आती हैं, जो चीज़ें आती हैं वो मैंने आपको टिक कर दी हैं, उस पर आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, तो ये हमने सारी चीज़ें निकाल ली हैं, आगे और नंबर आ रहे हैं उसका आप निकालते हैं। चलिए 320 का निकालते हैं, 320 का एक बार आप लोग ट्राई करो, फिर मैं वेरीफाई कर दे रहा हूँ, सारी चीज़ें निकालते हैं अपन यहाँ पर। 320 के सारी चीज़ें निकाल लेते हैं, चार चीज़ें जो कि हमको निकालनी हैं, कुल भाजकों की संख्या,
समभाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, आपको ये चार चीज़ें निकालनी है। बाकी यदि थोड़ी बहुत एक एक बार प्रैक्टिस कर लोगे सम करने की, तो सम भी यदि निकालना आ गया तो आपसे सारी चीज़ें बन गई, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक बार पहले आप लोग कोशिश कर लीजिए, फिर मैं आपको बता दूंगा। एक बार टाइमर लेकर आप एक बार निकाल लीजिए सारी चीज़ें। आई होप चीज़ें आप लोग समझ पा रहे होंगे, सब चीज़ें निकाल पा रहे होंगे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में थोड़े से नंबर ऑफ लेक्चर्स ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़्यादा क्लासेस हो गई हैं, लेकिन आप आराम से चीज़ें कर सकते हैं। 50-50, 40-40 मिनट्स के वीडियोज़ हैं, और यदि आप स्पीड बढ़ा के भी एक दिन में 3-3 वीडियो देखेंगे तो आपका 2-3 दिन में नंबर सिस्टम एंड हो जाएगा। कोई बड़ा टास्क नहीं, मेरे साइड से थोड़े से नंबर ऑफ लेक्चर्स ज़्यादा हुए। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं सभी परीक्षाओं को टारगेट करूँ, है ना, और किसी भी परीक्षा में किसी भी प्रकार से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नंबर सिस्टम से वो आप बना पाए। ये नहीं कि सिर्फ पटवारी के लिए करना है, या सिर्फ SSC के लिए करना है, या सिर्फ रेलवे के लिए करना है, या स्टेट एग्जामिनेशन के लिए करना है, ऐसा बिल्कुल भी। मंतव्य ये होता है कि भाई आप तक चीज़ें सारी पहुँचें, और उसमें से जो आप परीक्षा को टारगेट कर रहे हैं उस टारगेटेड परीक्षा के आप प्रश्न को हल कर पाएँ। ठीक है ना, तो आप हो सकता है कि CDS की परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन में जनरली सभी लोग देखते हैं, तो CDS का एग्जाम वाले बच्चे के लिए तो सारी चीज़ें आएंगी ना, वो तो सम ऑफ फैक्टर्स भी पूछता है, ऑड फैक्टर्स का सम भी पूछ लेता है, इसलिए सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। और सिर्फ मैंने उसको कंसाइज कर दिया ना, थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया कि भाई मैंने एक बार बता दिया, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करके उसे और नया रूप दे सकते हैं। चलिए 320 है, अब बस ये मत करना प्लीज़, है ना, कि 320 का आप डब्बा बना रहे हो, प्लीज़ ये ऐसे डब्बे बनाने की थोड़ा कोशिश किया करोगे। अपन थोड़ा बड़े हो गए हैं, थोड़ी सी चीज़ें समझने लगे हैं, तो उसे डायरेक्टली करने की हैबिट डालो। 32 लिखा है, इंटू इसको 10 लिख, इतना तो कर लो। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 है, इसको हम 2 × 5 कर सकते हैं, तो फाइनली 2 की पावर 6 × 5 की पावर 1 हो गया। भाई देखो, जितना आपको आता है, जितना आप देख पा रहे हो, उतना तो ब्रेक कर लो ना। मुझे नहीं पता है 64 का मल्टीपल होगा, मुझे तो ये दिख रहा था कि भाई 32 × 10 लिखा है, 32 2 की पावर 5 होता है, तो 32 2 की पावर 5 होता है, तो 10 को हम लिखेंगे 2 × 5, तो 2 इसके साथ फिर से ऐड कर दो, तो 2 की पावर 6 × 5 की पावर 1 हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ से हम चारों चीज़ें निकाल लेते हैं एक एक बार करके। पहला निकाल देते हैं हम टोटल फैक्टर्स, तो टोटल फैक्टर्स हमारा हो जाएगा 6 और 1 7, 1 और 1 2, तो 7 दूरी हो गया हमारा 14, ये पहला आंसर हो गया, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स आपसे पूछा है। दूसरा हम निकाल लेते हैं ऑड फैक्टर्स, यदि हमसे ऑड फैक्टर्स पूछ रहे हैं तो ऑड फैक्टर्स में हमें क्या करना होता है, आपको पता है कि बस इवन जो प्राइम नंबर है 2 उसको नहीं लेते हैं, बाकी अप्लाई कर देंगे, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, ये हमारा आंसर हो गया। तीसरा, यदि हमें इवन फैक्टर्स चाहिए होते हैं तो इवन फैक्टर्स निकालने के लिए, यदि आप लोग टोटल फैक्टर्स निकाल चुके हो और ऑड फैक्टर्स भी निकाल चुके, तो माइनस करके निकाल लेना, 14 में से 2 गया 12, ये आंसर हो गया। या फिर यदि सीधा ही उसने इवन फैक्टर्स बोले हैं तो ये 6 का 6 रहेगा और 1 + 1 कितना हो गया 2, तो 6 × 2 = 12 आंसर हो गया। माइनस वाला करने का आपको तब अप्लाई करना है जब वो आपसे पूछ रहा है कि टोटल फैक्टर्स बताओ, ऑड फैक्टर्स बताओ, तो उस केस में आप टोटल में से इसको माइनस करके निकाल लेना। यदि सिंपल डायरेक्ट पहला ही क्वेश्चन यही आया है, इतना ही पूछा है कि बताइए सम भाजकों की संख्या क्या होगी, तो 2 की पावर जितने लगे उसको वैसा का वैसे ही रखेंगे, बाकी के जितने प्राइम नंबर है उसमें 1 ऐड कर करके मल्टीप्लीकेशन करते चले जाना, तो 6 × 1 और 1 2 था, 6 × 2 = 12 हो गया, यहाँ से भी 12 ही थे। चौथा प्रश्न हमारा प्राइम फैक्टर्स निकालना है हमें, प्राइम फैक्टर्स तो आप लोगों को आते ही है, बस पावर को ऐड कर लें, 6 और 1 कितना हो गया 7, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है भाई, तो ये हमारे चारों आंसर हो गए, हालांकि उसने सिर्फ एक ही पूछा था, टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस बताइए, तो आपने बोल दिया कितना है हमारा 40 आंसर। आई होप सभी का आंसर आ गया होगा, 14, 2, फिर 12, फिर 7। ठीक है, तो बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, जिसपे क्वेश्चन आएगा आप सीधा आप आंसर लगा सकते हैं। अब देखो जरा यहाँ पे ध्यान से, मैंने और भी एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें पूछ ली। फॉर द नंबर 2450 के लिए अब आपको देखो क्या क्या निकालना है, टोटल फैक्टर्स, ठीक है, इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, और देखो नंबर ऑफ फैक्टर्स डिविजिबल बाय 5, ऐसे फैक्टर्स बताना जो कि 5 से डिविजिबल हो,
नंबर ऑफ फैक्टर्स डिविजिबल बाय 35, ऐसे फैक्टर्स बताना है जो कि 35 से क्या वो डिविजिबल। कोई बड़ा टास्क नहीं, आराम से वो भी कर लोगे। पहले तीन चीज़ें मुझे निकाल के बता दो। यदि तीन चीज़ें आप निकाल कर रहे हो तो 5 का, 35 का, 45 का, किसी का भी फैक्टर जो कि उस नंबर के अंदर होगा सिर्फ वही पूछेगा, ऐसे कुछ भी नहीं पूछ लेगा। तो जो फैक्टर्स उसके अंदर बन रहा होगा ना, जो नंबर बन रहा होगा, वही फैक्टर्स की यदि पावर आपसे पूछ रहा है, मतलब उससे रिलेटेड चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं। चलो देख लेते हैं, पहले तो आप ब्रेक कर लेते हैं। अब आपको देख रहा है आपने डिविजिबिलिटी पढ़ी हुई है, लास्ट में 50 आ रहा है, मतलब ये नंबर किससे डिविजिबल है, 25 से डिविजिबल है। चलो तो 25 से कर लेते हैं भैया, 25 नमा कितना हो रहा है, 225 कितना बचा, 20, 25 इट्ठे हो रहा है 204, 200, ठीक है। चलो ठीक है, इसको अपन लिख लेते हैं 5 का स्क्वायर, और 98 है, 49 इंटू 2 है ना, तो 2 की पावर 1 और 5 का स्क्वायर, और ये 7 का स्क्वायर, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, इसे हमने कर लिया अभाज्य गुणनखंड के रूप में अभिव्यक्त, ठीक है। पहला काम हमारा यही था। तो ऐसे किया करो, आपने डिविजिबिलिटी पढ़ी है तो ऐसे नहीं कि आप सीधा कर रहे हो यहाँ से, ऐसे 2, 4, 5 दो से कर रहे हो, फिर दो छोटे नंबर से स्टार्ट करना होता है, तो छोटा नंबर लेके कर रहे हो, अरे टाइम ऐसे वेस्ट नहीं करना आपको, ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना। तो ऐसे ब्रेक कर करके फिर पावर के रूप में एडजस्ट कर दिया। आपको पता है 25 में हमने इसलिए ब्रेक किया क्योंकि 25 सीधा प्राइम नंबर 5 की पावर के रूप में लिखा जा सकता है। 98 में 49 आ रहा है, 49 भी प्राइम नंबर 7 की पावर में लिखा जा सकता है। तो ऐसे नंबर में कभी भी ब्रेक करो जो किसी प्राइम नंबर की सीधा पावर आ जाती है, ठीक है, तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, चलो टोटल फैक्टर्स निकाल लेते हैं, एक और एक दो, यहाँ पता नहीं दिखेगा कि नहीं। टोटल फैक्टर्स पहला मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, पहले वाले का आंसर 2, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 3 9, 9 2 18, पहला आंसर हो गया हमारा 18। दूसरा ऑड फैक्टर्स पहले निकाल लेते हैं, ऑड फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ऑड फैक्टर्स कैसे निकलेगा, 2 को छोड़ दो, बाकी सब में फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 3 कितना हो गया 9, ये दूसरा आंसर हो गया। तीसरा आंसर इवन फैक्टर्स निकाल लेते हैं, इवन फैक्टर्स के लिए क्या करना है आपको पता है, और टोटल में से ऑड को माइनस कर लो, तो 18 में से 9 चला गया तो 9 हो जाएगा, या फिर दूसरा तरीका भी मैंने बताया, 2 की पावर जितनी है उसको वैसी रखो, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 3 कितना हो गया 9, तब भी आंसर वही आ रहा है, ठीक है। चलो अब देखो जरा ध्यान से क्या बोला है, नंबर ऑफ फैक्टर्स डिविजिबल बाय 5, ऐसे गुणनखंडों की संख्या बताओ जो 5 से विभाजित हो, ऐसे गुणनखंडों की संख्या जो 5 से विभाजित हो, तो आपको क्या करना है, इस 5 को फ्री कर दो, एक 5 रखो बस, तो आप क्या करोगे, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 का स्क्वायर, और ये 5, इसको आपने अलग बना दिया। जिसका भी फैक्टर करने के लिए बोला है 5 से डिविजिबल हो, 35 से, 8 से, जिससे ही बोला जो उसके अंदर होंगे, तो उसको अलग करके निकाल के रख लो, ठीक है। अब आपके पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन बचा नंबर का वो ये बचा, और नंबर 5 से डिविजिबल बनाना है, और 5 से डिविजिबल बनाने के लिए नंबर को 5 का मल्टीपल होना पड़ेगा, तो 5 का मल्टीपल होने के लिए आपको 5 को निकाल के अलग कर दो। अब 5 को यदि निकाल के अलग कर दिया, अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो, जो आपका फॉर्मूला है बिल्कुल वैसा का वैसा बन जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 2 2 4, 4 3 कितना हो गया 12, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब उसने बोला 35 का फैक्टर्स हो, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स डिविजिबल बाय 35, ऐसे फैक्टर्स की संख्या बताओ जो 35 से पूर्णतः विभाजित हो, तो आप 35 बना लो यहाँ से। 35 कैसे बनेगा, 7 5 35, तो बचा क्या आपके पास नंबर, नंबर क्या बचा, 2 की पावर 1 5 की पावर 1 7 की पावर 1, इनटू कितना हो गया 35, 5 ले लिया यहाँ से और एक 7 यहाँ से ले लिया, तो 7 5 35 अलग कर लो। अब 7 5 35 अलग करने का मतलब हो गया कि ये जो नंबर है ये 35 से डिविजिबल हो गया है, तो अब इसके फैक्टर्स जो बचे वो ये बचे। अब जो फॉर्मूला है हमारा टोटल फैक्टर्स निकालने का वैसे रहेगा, पावर में एक जोड़ जोड़ के मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 2 4, 4 2 कितना हो गया 8, ये हमारा क्या हो गया, किसी का भी पूछ ले, ठीक है, 10 का पूछ ले, 15 का पूछ ले, 40 का पूछ ले, जिसका भी आपसे पूछे जो कि वहाँ अवेलेबल है उसको वहाँ से पहले अलग कर लो। अलग करने के बाद अब जो भी बच गए प्राइम फैक्टर्स, अब उसमें वही सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो आप अप्लाई करते हैं, क्लियर है भाई, समझ आ गए, बस यही काम है आपका। अब वो किसी से भी डिविजिबल यदि करके पूछे 5 का, 35 का, 10 का, 8 का, 40 का, 120 का, उस नंबर को वहाँ से पहले अलग कर लो, जो अब बच गए प्राइम फैक्टराइजेशन उसमें सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दो जो हमने स्टार्टिंग से अप्लाई करना सीखा है, क्लियर है। तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का सीन था, ऑड फैक्टर्स का, इवन फैक्टर्स का, प्राइम फैक्टर्स का, ज़्यादातर ये चार चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, ये जनरली आपको देखने को मिल सकती हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया करने का तरीका, हालांकि अभी तक बहुत ही कम परीक्षाओं में पूछा गया ये, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी सभी को।
तो अब हम फाइनली एक प्रैक्टिस के लिए में क्वेश्चन होगा शायद वो देख लेते हैं, उसके बाद हम नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज निकालना सीखते हैं, पीछे से शून्यों की संख्या अब हम निकालना आज सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आप नोट डाउन कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आप आंसर बताइएगा, सभी आंसर बताइएगा। हालांकि यहाँ पे तो सिर्फ टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस पूछें, फैक्टर्स ही पूछें, लेकिन आप चारों चीज़ें निकालने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, सारी चीज़ें निकालिएगा, ठीक है। ये वाला मैं एक बार और आपको बता देता हूँ, इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया था, हालांकि कोई बड़ा नहीं है, मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर ही दिया कि कॉन्सेप्ट क्या है आपका। मैंने आपसे कहा था कि डायरेक्टली नंबर वो देगा आपको, कंपोजिट नंबर दे देगा, कोई भाज्य संख्या दे देगी बड़ी सी, चार अंकों की या तीन अंकों की या पाँच अंकों की, उसमें आपको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। कभी कभी संख्या ऑलरेडी फैक्टराइज करके दी गई है, लेकिन वो सही तरीके से अप्रोप्रिएट तरीके से फैक्टराइज करके नहीं दी गई, जो कि आपको बदलना पड़ेगा। तो ये 12 की घात लिखा है 33, 34 की घात लिखा है 23, और 2 की घात लिखा है 70। तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम उसे प्राइम नंबर के बेस में एक्सप्रेस तो कर लें। ये लिखा है 4 3 12, और ये 4 होता है 2 का स्क्वायर इंटू 3, और ये पूरे की घात लगी 33, ये होता है 2 × 17 की घात 23। ये तो 2 लिखा है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है भाई। चलो तो 2 का स्क्वायर है, अब गुणा कर लेंगे तो 2 की घात कितनी हो जाएगी भाई, 66, 3 की घात हो गई है 33, 2 की घात हो गई है 23, 17 की घात हो गई है 23, 2 की घात हो गई 70। अब एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं, 2 की घात सबसे पहले जोड़ लेते हैं ना, चलो जोड़ लो, 6 3 9 और 6 2 8 8 7 15, 159। 3 की पावर 33 है और 17 की पावर 23। ये हमारा नंबर फाइनली फैक्टराइज हो गया है प्राइम नंबर्स के पार्ट्स के रूप में, ठीक है भाई। तो हमारा ये पहला काम था, तो ये ऐसे अभी अलग अलग था, उसको आपने पहले प्राइम फैक्टर में बदल दिया, ठीक है, बदल गया आपका पहला काम, यही था आपने कर लिया। नीचे सभी जो बेस हैं, जो बेस में जो नंबर होंगे वह सभी प्राइम नंबर ही होने चाहिए, 2 है 3 है 17 है, बिल्कुल सही है। चलो अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, टोटल यदि हमें फैक्टर्स निकालने होते हैं तो पावर में एक जोड़ के गुणा करना है। अब ये नंबर थोड़े बड़े आएंगे, 160 × 33 और 1 34 और 23 और 1 24। अब आप खुद देखो जरा ऑप्शन में, ये जब जीरो आ गए इतना तो आप जान ही चुके हो ना कि किसी भी संख्या में यदि हम 10 से गुणा करेंगे तो जीरो पर ही खत्म होगी। पहले ऑप्शन में 8 आ रहा है तो हो ही नहीं सकता, इसमें 6 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, हो ही नहीं सकता, मतलब आपका जो आंसर होगा वो किस पे खत्म होगा, जीरो पर, और जीरो पे खत्म वाला है, इसमें से कोई भी तीन ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, तो सीधा आपका आंसर होगा नन ऑफ दीज। मतलब आपको इतनी बड़ी संख्याओं का आपस में गुणा करके आंसर निकालना बिल्कुल भी नहीं है, आपको यूनिट डिजिट देखना है, आपको इकाई का अंक देखना, पहचानना आना चाहिए। तो जो आपने यूनिट डिजिट पढ़ा है ना, ये आपके कई सारे पूरे के पूरे अरिथमेटिक के चैप्टर्स में जहां पर भी आप अपना आंसर निकालोगे, आंसर निकालने से पहले एक दफा इकाई का अंक या दहाई का अंक देखकर पहचान लिया करो कि आंसर किस पर खत्म हो रहा है, तो आपका टाइम भी बच जाएगा और अपनी कैलकुलेशन भी आपको इतनी करनी नहीं पड़ेगी, क्लियर है। ये थोड़ा सा ध्यान रखा करो, जीरो पे खत्म होगा, जीरो खत्म होने वाला एक भी नहीं है, मतलब इनमें से कोई नहीं, आंसर आप टिक कर दें, एक तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इस प्रकार के आपके पास जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। चलो भैया, तो ये था हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। चलिए अब हम फाइनली बात करते हैं नंबर ऑफ जीरोज की, और नंबर ऑफ जो जीरोज है वो एक्चुअली पीछे से शून्यों की संख्या है, सही तरीका इसका बोलने का है, पीछे से शून्यों की संख्या। नंबर ऑफ जीरोज जो है ट्रेलिंग जीरोज है ना, एक्यूरेट जो नाम है वो ट्रेलिंग जीरो, ट्रेल मतलब समझ, तो पीछे से पूछ, तो पीछे से किसी भी संख्या को जो आप गुणा कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें जीरो आ रहे हो, तो जीरो जो आ रहे हैं कितने जीरो आ रहे हैं, पीछे से कितने शून्य आ रहे हैं उनकी संख्या बताओ, तो आपको पीछे से शून्यों की संख्या बतानी है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। और जनरली ये आपके रेलवे में एग्जाम में, स्टेट एग्जाम में भी कभी कभार नंबर सिस्टम का पार्ट है, तो कभी ना कभी रोटेशन किसी भी शिफ्ट में कभी भी पूछ सकते हैं, सी सेट में भी जनरली पूछ सकते हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। अब आपको ये ध्यान रखना है यार, नंबर ऑफ जीरोज मतलब जीरो बनना, मतलब 10 बनाना है ना, 10। अब 10 कैसे बनता है, आपको पता है कि यार 10 बनाने के लिए तो हमको दो ही फैक्टर चाहिए, क्या क्या, 2 और 5, क्या चाहिए, 2 और 5। तो किसी भी नंबर में जब 2 और 5 का पेयर आएगा, 2 × 5 का फैक्टर्स का पेयर आएगा, तब जाके जीरो बनेंगे। तो यदि 2 × 5 का जितना भी पावर होगा उतने ही आपके पीछे से जीरो होंगे, तो 10 की पावर यदि n है तो n ही पीछे से शून्यों की संख्या है, n ही पीछे से शून्यों की संख्या कहलाएगा,
पीछे से शून्यों की क्या कहलाएगा, संख्या कहलाएगा, ठीक है। तो यदि आपको नंबर ऑफ जीरो चाहिए, ट्रेलिंग जीरो चाहिए, तो आप कोशिश करेंगे कि उस नंबर में 2 × 5 मतलब 2 × 5 का पेयर बनाओ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी है कि यदि कोई नंबर लिखा हुआ और आपको उसमें 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, ऐसे कई सारे फैक्टर्स आ रहे हैं, तो आपको ऐसे फैक्टर्स का कोई मतलब नहीं है जो जीरो नहीं बना रहे, जो 10 नहीं बना रहे। तो आपको पता है 3 का कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है, 7 का कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है, है ना, 9 का, 15 का, ऐसे किसी का भी नहीं है। बस हाँ, जहाँ पर आपको 2 मिले और 5 मिले वो आपके लिए काम का। जैसे 8 आ गया, अब आपको पता है 8 के अंदर 2 आता है, 2 हिडन है, क्या है 2 के पावर ये 3 लिखा हुआ है। तो आपको पता है यार, आपको जब पेयर बनाना होगा 2 × 5 का, तो आपको 2 × 5 की पावर लेनी है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यदि 2 3 टाइम्स आ रहा है, 5 2 टाइम्स आ रहा है, तो आपके पेयर कितने बनेंगे, 2 ही पेयर बनेंगे, क्योंकि आपको 2 × 5 का पेयर बनाना है। तो जो लीस्ट पावर होगी, लीस्ट पावर को टेकन लिया जाएगा, मतलब आपको जो पावर लेनी है वो लीस्ट लेनी है दोनों में से। जैसे 2 × 5 में आपको ये 4 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, तो भाई कितने पेयर बनेंगे, 2, क्योंकि 5 की जो पावर है वो लीस्ट है, 2 की घात जो है वो 4 ज़्यादा है, ठीक है। 2 की घात आपको यहाँ पे 1 दिख रहा है, 5 की घात आपको यहाँ पे 10 दिख रहा है, तो भाई कितना पेयर बनेगा, 1 ही पेयर बनेगा। जो बाकी के 5 जो 9 टाइम्स आ रहे हैं उसका कोई काम नहीं है, वो 0 नहीं बनाएगा अकेला। तो 0 बनाने के लिए, 10 बनाने के लिए आपको 2 और 5 दोनों का एक साथ होना ज़रूरी है। तो आपको 2 चाहिए और 5 चाहिए, तो इसका एक ही पेयर बनेगा। मतलब 2 × 5 में जो आपको पावर लेनी है वो किसके लेनी, लीस्ट पावर लेनी है। पावर किसके लेनी है, लीस्ट, मतलब जो कम बार रिपीट होगा, चाहे वो 2 हो चाहे 5 हो, उतने ही आपके पॉसिबल पेयर्स बनेंगे 2 × 5 के, और उतने ही आपके उस नंबर में पीछे से जीरोस कहलाएंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लिखा हुआ है, 24 लिखा है, 32 लिखा है, 17 लिखा है, 23 लिखा है, 475 लिखा है, तो भाई 17 किसी काम का है क्या, नहीं, हटा दो यार इनको, 24 है, 32 है और 475 है। तो आपने 24 को लिख दिया 2 की घात 3 × 3, 24 हो रहा है, 32 को आपने लिख दिया 2 की पावर क्या, 5 लिख दिया, 475 का जो आपने ब्रेक किया तो ये 19 × 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तब आपने देखा यार 2 × 5 के जो पॉसिबल पेयर्स बन रहे हैं वो आपके कितने बन रहे हैं भाई। अब ये देखो जरा, सबसे ज़्यादा बार क्या आया, 2 आया, देखो यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, 5 सिर्फ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपको ये दिखना चाहिए, ऐसे नहीं कि हर नंबर को आप ब्रेक कर करके पहले चेक करोगे, नहीं, आप नंबर को देखकर इतना तो पहचान में आपको आना चाहिए कि कौन सा नंबर ज़्यादा रिपीट हो रहा है। इवन नंबर मतलब 2 ज़्यादा बार आ रहा है या 5 ज़्यादा बार, 5 वाला सिर्फ एक ही नंबर है, और ये भी कितना आ रहा है भाई, 5 का स्क्वायर, मतलब सिंपल सी बात है कि 2 ज़्यादा बार आएगा, 5 कम बार आएगा, तो 5 की पावर आपको लेनी है, तो 5 की पावर कितनी हो रही है यहाँ पर, 2, तो वही आपके क्या हो जाएंगे, पीछे से शून्यों की संख्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी, पीछे से जीरोस आपके बन जाएंगे, क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। तो एक पूछने का क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा और दूसरा क्वेश्चन और बनेगा फैक्टोरियल पर, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले आप इतना देख लीजिए कि नंबर ऑफ जीरोस किसी एक्सप्रेशन में निकालना है, कोई नंबर्स का प्रोडक्ट करके दिया है बहुत सारी संख्याओं का, तो आप उसमें ये नोटिस करेंगे कि 2 ज़्यादा बार आएगा या 5 ज़्यादा बार आएगा। पहला चीज़, जो ज़्यादा बार आए उसे हटाना है, और जो कम बार आ रहा है उस पर फोकस करके उसकी पावर को नोटिस करना है कि वो कितने बार आ रहा है, और वही आपका आंसर, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप 2 की भी पावर पूरी बना रहे हो, 5 की पावर पूरी बना रहे हो, जब दिख रहा है कि यार 2 जो है वो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो 2 की पावर आप कोशिश भी मत करो बनाने की, आपको दिख रहा है 5 कम बार आ रहा है, तो 5 जहाँ जहाँ आ रहा है उसकी पावर एक बार बना लो कि कितनी वो मैक्सिमम पावर आपको दे सकता है, और वही आपका आंसर होगा, क्लियर है। तो ये आपका जो है इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। चलिए इसको हम डिस्कस अभी कर ले, क्वेश्चंस करना है कुछ, एक क्वेश्चन करो पहले, फिर मैं वो आपको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन कर लूँ तो क्या है कि थोड़ा सा वो बन जाएगा, रिदम बन जाएगा, उसके बाद मैं आपको फैक्टोरियल वाला बता देता हूँ। पहले क्वेश्चंस कर लीजिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ, अब देखो इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ, अब आपको इसमें पीछे से शून्यों के, और ये पूछा गया प्रश्न, ऐसा नहीं कि मैंने अपने से जी बना के दी, एग्जाम के क्वेश्चन बताइए क्या आएगा, ज़्यादा बार क्या आएगा। अब इतने बड़े बड़े नंबर को पूरे प्राइम फैक्टराइजेशन करना, मतलब बहुत, आप तो 5 मिनट ले लोगे पूरा पूरा, इतना तो, इतने लायक तो क्वेश्चन है ही नहीं 5 मिनट लायक। तो अब आपको ये करना है, देखो ये 57 है, इसका कोई काम नहीं है, हटाओ इसे, ये किसी काम नहीं है, 19 × 3 = 57 काम का ही नहीं। अब देखो 625 875 975 625 875 925
इन सभी में देखो ये तो दिख भी रहा है ना, ये यार ये 25 का स्क्वायर हो रहा है, ये 125 का मल्टीपल है, 125 पांच का क्यूब होता है, मतलब ये देखो ये भी 25 का मल्टीपल है ना, ये भी यार ये तो 125 का स्क्वायर है और 25 का ये क्यूब होता है ना, पांच पांच का स्क्वायर, फिर यहाँ पर भी पांच है, यहाँ पर भी पांच है, मतलब आपको ये दिख गया, आपको ये समझ आ गया कि 5 ज्यादा बार आ रहा है, 5 क्या आएगा ज्यादा बार, और आपको पता है कि जो भी ज्यादा बार आएगा अब उसमें हमें पावर लीस्ट लेनी है। अब 2 × 5 में आपको दिख रहा है कि 5 ज्यादा बार आएगा और 2 कम बार आएगा, क्यों? क्योंकि 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर है बस, और ये ऐसा नहीं कि यहाँ पर होने के बावजूद भी वो पावर ज्यादा दे नहीं सकते, फिलहाल जो नंबर लिखे हैं उस हिसाब से यहाँ 2 कम बार आएंगे और 5 ज्यादा बार आएगा। देखो 15 × 60 होता है, 15 × 60 होता है, 15 में 5 आ गए तो 4 मतलब हो गया 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से 2 की घात 4 आ रहा है, ठीक है, ये 15 × 2 = 30 है, तो यहाँ से 1 2 आ रहा है। फिर आपने यहाँ देखा कि 4096 जो होता है वो 64 का स्क्वायर होता है, वो किसका स्क्वायर होता है? 64 का स्क्वायर होता है, 64 जो है वो 2 की घात 6 होता है, और ये हो गया 2 की घात 12, 2 की घात कितना हो गया 12 हो गया। बस इसके बाद आपको कहीं 2 दिख रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ भी 5, 25 के स्क्वायर के मल्टीपल है जस्ट, तो दिख रहा है यार 5 की घात तो यार 12 से और यहाँ पे मिलाकर 20 के ऊपर चली जाएगी, और जब ज्यादा चली जाएगी तो आपको ध्यान रखना है कि 12 पर 2 की घात कितनी आ रही है मैक्सिमम, तो 12 4 16 16 और 1 कितना हो गया 17, तो 2 की घात जो है वो 17 आ रही है, जबकि 5 की घात आपकी 20 से भी ज्यादा हो जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ 2 की घात को ध्यान रखेंगे और आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा भाई 70। 60 में 15 × 60 आ रहा था, 4 मतलब 2 का स्क्वायर हो गया, 15 × 2 = 30 तो 1 2 हो गया यहाँ पर, फिर यहाँ पे बचा है 2, और 4096 जो है वो 64 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 64 जो है वो 2 की घात 6 होता है, 2 की घात 5 = 32 होता है, 2 की घात 6 = 64 होगा, 6 × 2 = 12, 12 × 4 = 16, 16 और 1 = 17, तो आपके जो पीछे से शून्यों की संख्या है वो कितनी हो गई भाई 17, कितनी हो गई 17, तो आप आंसर लगाएंगे 70, क्लियर है। तो ये एक प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है आपको, जनरली जो नंबर्स होंगे वो प्रोडक्ट के फॉर्म में दिए जाएंगे, बोलेगा बताओ इसमें पीछे से शून्यों की संख्या क्या होगी। एक और ये कर लो, पहले ये वाले निपटा लेते हैं, फिर उसके बाद हम फैक्टोरियल का डिस्कशन करते हैं, ठीक है, पहले ये वाले जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एक बार कर लो, तो हम फैक्टोरियल पर एट द लास्ट फाइनली फैक्टोरियल पर कर लेंगे। चलो, हाउ मेनी जीरोज विल बी देयर काउंटिंग फ्रॉम द राइट साइड व्हेन विल द सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, 5 × 10 × 15 × 20 × से लेके 50 तक जा रही है, बताइए जरा, कोशिश करिए आप। चलो अब देखो जरा, 5 × 10 × 15 × 20 × 25 × 30 × 35 × 40 × 45 × 50 पूरा लिख दिया, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं थी, सभी 5 के मल्टीपल है, सभी 5 के मल्टीपल है, देखो जरा 5 यहाँ भी 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 5 और यहाँ भी 5 आ रहा है, तो जब आप 5 कॉमन लोगे तो 5 कितने बार कॉमन आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार, तो 5 की घात 10 तो वैसे निकल आया, तो बचा क्या 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × कितना 10, ये अब आपको दिख रहा है यार 5 की घात जो है वो ज़्यादा आ रही है, 5 की घात क्या रही ज़्यादा, अभी भी देखो 5 यहाँ 1 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 की घात 2 और जुड़ जाएंगे इसमें। अब जरा इवन नंबर देखो, इवन मतलब 2 2 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर 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 आ रहा है, ये आ रहा है 2, तो देखो 2 की घात 1, ये 2 की घात 2, ये 2 की घात 1, ये 2 की घात 3 और ये 1 2 है, यही है, अब काउंट करो बस इतने ही 2 हैं इसमें, इतने ही 2 हैं, इसके अलावा आपके 2 नहीं, बाकी जो था आपने कॉमन ले लिया, जो 5 की मल्टीपल था वो 5 × 10 आपके पास निकल कर आ गया, तो देखो जरा काउंट करो, 2 × 1 = 3, 3 × 1 = 4, 4 × 3 = 7, 7 × 1 = 8, तो आपके जो 2 आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं और 5 ज्यादा बार आ रहे हैं, तो जो ज्यादा बार आ रहा है उसे नहीं लेना, जो कम बार आ रहा है उसके ही पावर पर ध्यान रखना है, तो 2 की घात कितना 8, तो हमारे पीछे से शून्यों की संख्या हो जाएगी कितनी 8, कितनी हो जाएगी 8, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8, क्लियर है भाई, आप यदि ये समझ गए ना तो बाकी जो हम फैक्टोरियल वाला करेंगे, दो चीज़ें हमें कॉन्सेप्ट करने हैं, तो दोनों आपको समझ में आ जाएगा, ओके, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। चलिए ये कर लो जरा,
थोड़ा प्रोडक्ट वाले हम एक साथ कर रहे हैं, उसके बाद हम फैक्टोरियल वाले कर लेंगे, ठीक है? पहले हम प्रोडक्ट वाले कर लें, उसके बाद प्रोडक्ट फैक्टोरियल वाले करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन द प्रोडक्ट। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, 6 की पावर 6, ऐसे करते 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 49 की पावर कितना आ रहा है? 49 की पावर क्या है 49। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि आपको जीरो बनाने के लिए 2 और 5 देखना है, और 2 और 5 में भी जिसकी घात कम आएगी उसको वही आंसर हमारा होगा। अब जरा ध्यान से देखो कि यार 5 इस 1 से लेके 49 में 5 कहाँ कहाँ आएगा? 5 आएगा, ठीक है, 10 15 20 25 30 35 40 45, बस इतनी आएगा। और जबकि 1 से लेके 49 में 2 कितने बार आएगा? 2 बहुत बार आएगा। देखो जरा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, फिर 22, फिर आपने फिर 24 देखा, फिर 26, फिर 28, फिर 30, फिर 32, मतलब 2 ज़्यादा बार आएगा। और जितना नंबर है उसकी उतनी ही पावर है, और जितना नंबर है यदि उसकी उतनी पावर है तो 2 भी उतनी ही नंबर उतनी ही पावर बनेगा, मतलब 2 की पावर ज़्यादा आएगी इंस्टेड ऑफ 5। तो हम फोकस करेंगे किसके इस पर, इस बार हम किस पर फोकस करेंगे? 5 की पावर पर, क्योंकि अभी हमें यहाँ दिख रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि 2 की घात ज़्यादा आएगी किसके बजाय? 5 की बजाय। तो हम 5 की घात निकालते हैं, तो 5 की घात 5 है, मतलब जो भी नंबर होगा उसकी घात उतनी आ रही है, ठीक है? तो 10 की घात 10 होगा, 15 की घात 15 होगा, 25 की घात 25 होगी, फिर आपकी 30 की घात 30 होगी, 35 की घात 35 होगी, 40 की घात 40 होगी, और 45 की घात 45 होगी। 50 तो लेना नहीं क्योंकि 49 तक ही नंबर। तो 1 से लेके 49 में जो 5 या 5 की मल्टीपल है वो इतनी है, आपको दिख भी रहा है। तो यहाँ से देखो काउंट कर लेते हैं कितने हो रहे हैं भाई, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 25। अब बस गलती किसी ने एक बार ये कर दी, आपने ना सिंपली काउंट कर दी, 5 10 15 15, उसके बाद 20 नहीं लिया क्या बनने? 20 भी तो लेना, 20 की घात 20, और फिर 25 की घात 25। तो ये भाई एक छोड़ दिया अपन ने, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25। हाँ, यहाँ पे बस गलती कर दी किसी ने। अब ये जरा ध्यान से देखो, देखो यहाँ 5 एक ही बार आ रहा है, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौको 20, तो 5 सब में आ रहा है। लेकिन जब आपने 25 देखा ना, तो 25 एक्चुअली 5 का स्क्वायर क्या है? 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर से बस गलती यहाँ आपने ये ले ली कि 5 की घात यहाँ पे 25 दूनी कितना हो रहा है भाई? 50। तो यहाँ 5 की घात भाई 50 हो रही, क्योंकि 2 बार 5 आ रहा है, तो आपको 25 नहीं लेना, यहाँ पे 50 लेना था। क्या लेना था? 50। बस गलती किसी की यही हो जाएगी, अब वहाँ से गलत कर देगा, 50 प्लस। उसके बाद देखो यहाँ पर भी 30 ही आएगा, यहाँ पर भी कितना आएगा? 35 ही आएगा, यहाँ पर भी कितना आएगा? 40 ही आएगा, लास्ट में भी कितना आएगा? 45 आएगा। बस इन सबको ऐड कर दो और आंसर बता दो, देख ले, जोड़ लेते हैं। 5 कितना हो गया? 15 15 15, 30 30 20 50 50 50, कितना हो गया? 100, ठीक है। और यहाँ से कितना हो गया? 30 30 60 60 40, कितना हो गया? 100। और ये 150, 150 और जोड़ देते तो हमारा आंसर कितना हो गया भैया? 250। कितना हो गया? 250। तो यहाँ पे यदि हमें जीरो चाहिए थे पीछे से, तो हमें समझ में आ गया कि 2 जो है इवन नंबर है, वो ये ज़्यादा बार आएगा, इसलिए हम कम वाले नंबर को लेते हैं। तो 5 की घात कम आएगी, तो पैटर्न भी हमें दिख रहा है, 5 की घात 5, 10 की घात 10, 15 की घात 15, ऐसे कर करके आपने सबको जोड़ा। बस ये गलती मत करना, जब भी 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 की पावर 4 आएगी तो वहाँ से 5 ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है? जैसे भाई 25 की घात जितना भी लिखा है, 125 की घात 15 लिखा है, या 625 की घात 10 लिखा है, तो ये 5 की घात 10 नहीं है, ये एक्चुअल में 5 की घात 4 है। तो यहाँ से जो आपके 5 है ये 40 आएंगे, यहाँ से 5 की घात 2 या मतलब 20 आएंगे, यहाँ से 5 का क्यूब है मतलब ये 45 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी 5 का स्क्वायर क्यूब या 5 का एक्सपोनेंट जितना आएगा, तो उसमें वो उसका एक्सपोनेंट मल्टीप्लीकेशन होकर ही टोटल नंबर ऑफ 5 वहाँ पे बनेंगे, ठीक है ना? तो ये गलती मत करना, ये गलती नहीं करना है, ठीक है? चलो ये वाला लास्ट वो कर लो बस, उसके बाद हम फैक्टोरियल वाले पर आ जाते हैं। तो हमारे जो पीछे से शून्यों की संख्या निकालने का जो 2 प्रकार से प्रश्न बनते हैं, उसमें से एक प्रकार हमारा मल्टीप्लीकेशन वाला था, प्रोडक्ट वाला था, जो कि आपने फाइनली ये लास्ट पूछा गया प्रश्न ये लिखा हुआ है, हो सकता है ना दिखे तो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। 1 की घात 50, 2 की घात 49, 3 की घात 48, 4 की घात 47, 5 की घात 46, चलिए 50 की घात 12, ये रिवर्स में जा रही है पावर्स, 1 2 3 4 5 से लेकर 50 तक जा रहा है। अब फिर से ध्यान दो, फिर से ध्यान दो, 1 से लेके 50 में फिर क्या आएगा? इवन नंबर 2, मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 2 ज़्यादा बार आएगा, और पावर भी बड़ी बड़ी लगी, मतलब 2 की घात जो पार्स आएंगी वो ज़्यादा बार आएंगी, तो हमें 2 नहीं लेना है, हमें 5 लेना है। तो 5 देख लेते हैं, 5 की घात कितना आ गई यहाँ पे? 46। घात कम होती जा रही है एक एक, देखो
पचास, उनचास, अड़तालीस, सैंतालीस, छियालीस। फिर पाँच का अगला मल्टीपल क्या आएगा? दस। कितना आएगा? दस। अब पाँच कम कर दो घात, कितनी हो जाएगी भाई? इकतालीस। पाँच कम कर दी। फिर हमने पंद्रह ले ली, पाँच कम कर दो घात, ये कितनी हो गई? छत्तीस। फिर हमने बीस ले लिया, बीस में भी हमने पाँच कम कर दी घात, ये हो गई इकतीस। फिर हमने पच्चीस देखी, पच्चीस में घात हमने कम कर दी पाँच, इकतीस से पाँच के कितना हो गया? छब्बीस। फिर हमने तीस देखा, पाँच कर घात कम कर दी, इक्कीस हो गया। फिर हमने पैंतीस देखा, पाँच हमने घात कम कर दी, ये हो गया हमारा सोलह। ये चालीस, ग्यारह और ये पैंतालीस, पाँच कम करेंगे तो कितना हो गया? छः। और ये पचास और पाँच कम करेंगे तो कितना हो गया? एक। ठीक है, अब बस अब हम फाइनली ऐड कर लेते हैं सभी नंबर्स को। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा देख लो जरा, छियालीस, इकतालीस, छत्तीस, इकतीस। अब जैसे ही पच्चीस आया तो थोड़ा सा अवेयर हो जाना, पच्चीस पाँच का स्क्वायर है तो छब्बीस नहीं है, छब्बीस दूनी बावन है यहाँ पे, तो हमें कितना लेना है यहाँ पे? बावन लेना है। फिर बाकी तो इक्कीस ही है, फिर बाकी यहाँ पे फिर आपका सोलह ही रहेगा, फिर आपका यहाँ पर ग्यारह ही रहेगा, फिर आपका यहाँ पर छः ही रहेगा, और फिर आपका यहाँ पर एक ही रहेगा, क्योंकि पाँच पाँच एक ही बार आ रहा है, लेकिन पच्चीस में पाँच स्क्वायर आ जा रहा है, इसलिए वहाँ जो जितनी बावन लगी उसकी जस्ट डबल हो जाएगी। क्यूब होता तो ट्रिपल हो जाता। सबको ऐड कर लेना है, यूनिट डिजिट देखो जरा, दो है, एक है, छः है, पाँच है, सबका अलग अलग, जरा यूनिट डिजिट ऐड करेंगे, सब पूरा ऐड नहीं करेंगे। छः और छः बारह, बारह और एक तेरह, तेरह और एक चौदह, चौदह दो सोलह, सोलह और एक सत्रह, सत्रह अठारह, उन्नीस, बीस, पच्चीस, पच्चीस छः, एक। एक पर खत्म हो रहा आंसर। किस पर खत्म हो रहा है? एक पर। एक पर खत्म होने वाला एक ही आंसर है क्या? एक पर खत्म होने वाला एक ही आंसर है, दैट इज 261, दैट इज 261, मतलब एक पर खत्म होने वाला एक ही आंसर है सीधा, मतलब सबको ऐड नहीं करना, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, तो प्रश्न पूछने का तरीका ही यही होता है कि जब यदि कभी हो सकता है एडिशन ज़्यादा आ रहा है तो चाह रहे हैं कि आप स्मार्टली वर्क कैसे करते हैं, कैसे आप जल्दी आंसर करेंगे। आंसर तो सब लोग निकालेंगे, कुछ लोग जोड़ के भी कर लेंगे, लेकिन वो टाइम ज़्यादा ले लेगा, तो उसके अटैम्प्ट वहाँ कम हो जाएंगे, और जिसके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं मतलब उसने अटैम्प्ट ज़्यादा किया, मतलब उसने स्मार्ट वर्क किया है, उसने क्वेश्चन का आंसर निकालने में सही तरीका अपनाया है जो कि लगना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली जीरोज निकालने का एक टाइप हो गया। अब जो दूसरा टाइप होता है जीरो निकालने का, वो होता है फैक्टोरियल में। क्या होता है फैक्टोरियल? हमने फैक्टोरियल डिस्कस किया था इकाईकरण जब हम लोग पढ़ रहे थे। अब वापस आ जा रहे हैं हम यहाँ पर, कहाँ गया कॉन्सेप्ट? ये हमने जब इकाईकरण पढ़ा था ना, तो हमने इकाईकरण पढ़ते समय फैक्टोरियल को पढ़ लिया था कि जो फैक्टोरियल होता है वो एन प्राकृत संख्याओं का गुणनफल होता है, जहाँ पर हमने कुछ फैक्टोरियल भी देख लिए थे। फैक्टोरियल जीरो वन होता है, फैक्टोरियल वन वन होता है, फैक्टोरियल टू टू होता है, फैक्टोरियल थ्री मतलब थ्री इंटू टू इंटू वन करना है, फैक्टोरियल चार चार इंटू तीन इंटू दो इंटू एक करना है, फैक्टोरियल पाँच पाँच चार तीन दो एक का आपस में गुणा करना है। इतना हम लोग जान ही चुके थे यार, फैक्टोरियल एन जो होता है वो एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू ऐसे कर करके थ्री इंटू टू इंटू वन, मतलब रिवर्स में करना होता है। जैसे यदि फैक्टोरियल सिक्स लिखा है तो छः इंटू पाँच इंटू चार इंटू तीन इंटू दो इंटू एक, और इसका आंसर भी आपको मैंने बता दिया था 720। फैक्टोरियल 5 का मान कितना था? 120। फैक्टोरियल 4 कितना था? 24। फैक्टोरियल 3 कितना था? 6। फैक्टोरियल 2 कितना था? 2। फैक्टोरियल 1 कितना था? 1। फैक्टोरियल 0 कितना था? 1। ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, मैंने आपको वहाँ पर ये भी बताया था कि फैक्टोरियल 4 तक में कहीं पर भी 0 नहीं आता। फैक्टोरियल 0 1, फैक्टोरियल 1 1, फैक्टोरियल 2 2, फैक्टोरियल 3 6, फैक्टोरियल 4 24, फैक्टोरियल 5 जैसे ही आपका आया तो वहाँ 0 लग गया। क्या लग गया? 0 हो गया, क्योंकि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हुआ तो वहाँ पे 2 भी आया और 5 भी आया, और 2 इंटू 5 जब आया तो आपको क्या मिला भाई? क्या मिला? 2 इंटू 5 मिला। अब जब 2 इंटू 5 आएगा तो ऑब्वियसली बात है 0 तो आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर भी बनता है कि नंबर ऑफ जीरोस इन फैक्टोरियल, कोई फैक्टोरियल दिया जाएगा और बोलेगा बताइए इसमें पीछे से कितने शून्य आएंगे, शून्यों की संख्या आप बताइए। तो कोई बड़ा नंबर दे दिया, जैसे फैक्टोरियल मैंने 51 दे दिया, तो इसमें तो बहुत सारे जीरो आएंगे, मुझे निकालने पड़ेंगे। आप क्या करेंगे? ऐसे लिखोगे तो नहीं कि 51 इंटू 50 इंटू 49 48 40 से लेकर 1 तक लिखोगे, गुणा करोगे? नहीं, प्रोसेस आपको पता है क्या करना है कि 2 इंटू 5 चाहिए। क्या चाहिए? 2 इंटू 5 चाहिए। क्या चाहिए आपको? 2 इंटू 5 चाहिए। और अभी आपने देख लिया कि 2 इंटू 5 में भी हम जो जीरो निकालते हैं वो किसको देख के निकालते हैं? जिसकी पावर लीस्ट हो। जिसकी पावर क्या हो? जिसकी पावर क्या हो? लीस्ट हो। जिसकी पावर क्या हो? लीस्ट, सबसे पावर जिसकी कम आ रही हो। तो 2 ज़्यादा बार आएगा कि 5 बार ज़्यादा आएगा? अभी यदि मैंने आपसे पूछा कि मैंने फैक्टोरियल 20 लिख दिया, मैंने क्या लिखा? फैक्टोरियल 20 लिखा, तो फैक्टोरियल 20 का मतलब क्या है?
बीस उन्नीस अठारह सत्रह सोलह पंद्रह चौदह तेरह बारह ग्यारह दस नौ आठ सात छः पाँच चार तीन दो एक का आपस में गुणा। तो फैक्टोरियल 20 में दो जो है उसकी जो पावर आएगी वो ज़्यादा बार आएगी इंस्टेड ऑफ 5। 5 देखो कैसे आया, 5 फिर 10 फिर 15 फिर 20, बस चार ही बार आएगा। आपको दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो ये जो 2 आ रहा है, जो इवन नंबर आ रहा है 2, वो ज़्यादा बार रिपीट होगा फैक्टोरियल में। तो इसीलिए जनरली हम कभी भी 2 की पावर को लेंगे ही नहीं फैक्टोरियल नोटेशन में। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल नोटेशन एक्चुअल में नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट होता है अप टू 1 तक, और अप टू 1 में सभी नंबर्स आएंगे, तो हमारे इवन नंबर्स ज़्यादा होंगे इंस्टेड ऑफ 5 के मल्टीपल्स। इसलिए जनरली हम पावर जो कंसिडर करेंगे वो किसकी करेंगे, 5 की। तो हमें 5 की पावर कैसे निकालना है, 5 की पावर को हम डिटरमाइन कैसे करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ जीरोस निकालने का, कि n फैक्टोरियल n है आपके पास, ठीक है, फैक्टोरियल n है आपके पास, मैं अलग से लिख दे रहा हूं यहां पे, ये फैक्टोरियल n में पीछे से शून्यों की संख्या यदि निकालनी है तो आपको क्या करना, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड बराबर एन डिवाइडेड बाय 5, एन डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर, एन डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब, एन डिवाइडेड बाय 5 का 4 एंड सो ऑन। ये जो यहाँ पे ये जो ऐसा ब्रैकेट आपको जो दिख रहा है, ये ब्रैकेट एक्चुअल में ब्रैकेट नहीं है, ये जो है एक्चुअल में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, महत्तम पूर्णांक फलन। इसका मतलब क्या होता है, देखो नाम से पता, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीजर फंक्शन का मतलब है इसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू आएगी, डेसिमल वैल्यू कंसिडर नहीं की जाती। जैसे यदि इसके अंदर 2.5 आ रहा है तो हमें 0.5 नहीं लेना, हमें सिर्फ सिंपल 2 लेना है। यदि यहाँ पे 2.9 आ रहा है तो आप इसे सिर्फ 2 कंसिडर करेंगे, ठीक है, इसका आंसर 2 होगा। यदि आपको 3.0 आ रहा है तो आप इसे क्या लेंगे, 3 लेंगे। यदि 3.21 आ रहा है तो आप इसको क्या लेंगे, इसे 3 लेंगे। सीधा सा मतलब है, जब आप भाग लगाओगे तो भाग लगाने के बाद जो भी डेसिमल आ रहा है डेसिमल पे जाने नहीं है, जितने बार गया बस उतने ही है, बस रिमाइंडर जो है आपका, यदि और भी बार नहीं जा रहा तो वहाँ पे स्टॉप कर देना है। तो यहाँ पे जब आप भाग करोगे ना, n की पावर n डिवाइडेड बाय 5, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 की पावर 4, तो ये तब तक ही जाएगा ना जब तक आपका आंसर यहाँ पे भाग करने पे क्या नहीं हो जाता, जीरो नहीं हो जाता। तो जैसे ही 0.0 से होगा उसे लेने ही नहीं, मतलब आपको ऐसे कंटिन्यू तब तक ही करना है जब तक आप भाग करो तो 0 पॉइंट से स्टार्ट ना होने लगे, और जैसे ही स्टार्ट होने लगे वहां से आपको लेने ही नहीं है, वहां पर आपको एंड कर देना, खत्म ही कर देना, क्लियर है। ये फॉर्मूला होगा आपका क्या निकालने का, नंबर ऑफ जीरोस निकालने का। फॉर्मूला इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जनरली किताबों में भी अवेलेबल है आपका फॉर्मूला, तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला है क्या। हालांकि हम फॉर्मूले से नहीं निकालेंगे, हम इसका एक दूसरा बैकअप है, हम उससे निकालेंगे, ठीक है। हालांकि दोनों का मीनिंग है एक ही, लेकिन उससे थोड़ा जल्दी निकल के आ जाएगा इसकी बजाय। आप इसको नोट कर सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, नंबर ऑफ जीरोस निकालने का है ये चीज। अब देखो, मैंने आपसे बोला कि फैक्टोरियल 49 है, जीरो पीछे से जीरो बताओ, जीरो बताओ, तो आप क्या करोगे, देखो 49 डिवाइडेड बाय 5 फॉर्मूला, 49 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर, ठीक है, 49 डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब। अब आपने जैसे देखा आप यहाँ पे आगे लेने ही नहीं, क्यों नहीं लेना, कारण देखो जरा, 5 से भाग करेंगे 5 नंबर 45, बाकी जो बच गया उसको लेने ही नहीं, तो 9 आ गया। 25 से जब भाग लगाओगे तो 25 से कम 25, बस एक ही बार जाएगा, बाकी तो भाग जाएगा ही नहीं, अब उसके बाद डेसिमल में जाएगा ना, उसे लेने ही नहीं है। 5 का क्यूब मतलब 125, भाग करेगा डेसिमल 0 से स्टार्ट होगा, तो ये यहीं पर एंड हो गया, यहाँ पे इसको लेना ही नहीं, यहाँ पर आपको इसको लेना ही नहीं, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 9 और 1 10। तो इस फैक्टोरियल 49 में पीछे से जो 0 रहेंगे वो कितने रहेंगे भाई, 10 रहेंगे, कितने रहेंगे, 10 रहेंगे। मैंने आपसे कहा फैक्टोरियल 75 में 0 बताओ, जीरो बताओ। अब आपको करना क्या, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले से हम नहीं करेंगे, करेंगे क्या देखो जरा, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा,
49 में 5 से भाग लगाओ, 5 नौ में कितना हो गया 45, कितना बचा 9 बचा, फिर 9 में 5 से भाग लगाओ, 5 एकम कितना हो गया 5 हो गया, तो टोटल अब तो भाग जाएगा नहीं 1/5 है, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 10, आंसर कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ये चीज आसान लगी कि ये चीज आसान लगी, दिख रही होगी कि ये बहुत आसान है, यहाँ इस प्रकार से लिखना है, जबकि सीधा 49 में 5 से भाग लगाया 9 बार गया, 9 में 5 से भाग लगा एक बार गया, अब 1 में 5 से भाग लगाएंगे तो 0.0 जाएगा, वो हमें लेना नहीं है, हम इसको यहाँ हिडन कर रहे हैं, ये चीज यहाँ पे हिडन है, वो हम लिखने रहे, वो हमको समझ में आ चुकी है। फैक्टोरियल 75 में बोला तो 75/5 कितना हो गया 15 हो गया, 15/5 कितना हो गया 3 हो गया, अब 3/5 तो हो गया ना, कितना हो गया आंसर भाई 18, आंसर कितना हो गया हमारा 18, क्लियर है। तो फैक्टोरियल एन में यदि पीछे से 0 चाहिए तो सीधा 5 से भाग लगा के आंसर आपको कर देना है। यदि मैंने आपसे बोला कि फैक्टोरियल 120 में बताओ पीछे से शून्य कितने होंगे, तो आप क्या बोलोगे 120/5, 5 × 10 5 × 20 24 से 5 से भाग लगाया 5 × 20 तो 4 से भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पर हो गया टोटल 28, टोटल कितना हो गया 28, तो पीछे से शून्यों की संख्या टोटल कितनी हो गई 28 हो गई है। ये कॉन्सेप्ट है आपका फैक्टोरियल एन में पीछे से शून्यों की संख्या निकालने का, जिसमें हमें सिर्फ 5 की पावर लेना है। कारण ये है क्योंकि फैक्टोरियल एन नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट होता है जिसमें 2 की घात ज्यादा आती है और 5 की घात कम आएगी हमेशा, इसलिए हमने 5 ही को कंसिडर किया है। बात समझ आ गई सभी को? चलिए हम कहां पर थे, ये देखो जरा वही चीज है, इसको भी बता रहा हूँ अभी एक्सप्लेन करूंगा इसको, ये एक और चीज है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसे हमें डिस्कस करेंगे, बस अपन यहाँ पे एक बार ये और कर लेते हैं। चलो बता दो जरा, फैक्टोरियल 1000 में, फैक्टोरियल 1000 में बताओ पीछे से शून्यों की संख्या क्या होगी, तो कोई बड़ा टास्क नहीं है, 1000/5 कितना हो गया 5 × 10 200 में 5 से भाग लगाया 5 × 20 40, फिर 40 से 5 से भाग लगाया 5 × 8 = 40, फिर 8 × 5 से भाग लगाया 5 × 1 आ नहीं जाएगा ना, तो भाग तब तक करते जाओ जब तक आंसर 0 पॉइंट से स्टार्ट ना हो, अब तो 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा, हटा दो, ऐड कर लो जरा 49 तो 249 ये हमारा क्या हो गया आंसर। बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट लेकिन पूछा जाता है, ये मैं सोचने कि ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बोल देगा फैक्टोरियल 1224 में बताओ, 1224 में बताओ पीछे से शून्य की संख्या क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं है कर लेंगे हम, आता है ना यहीं पे कर लेंगे, 1224 5 से भाग लगाया 5 × 10 5 × 20 और 5 × 20 और 5 × 20 5 से भाग लगाया 5 × 20 5 × 8 = 40 48 में 5 से भाग लगा 5 × 45 9 में 5 से भाग लगाया 5 × 5 बस सबको जोड़ दो, 9 कितना हो गया 10 58 58 और 8 × 4 = 12 5 × 4 = 10 कितना हो गया 304 आंसर हो गया, क्लियर है। तो ये था हमारा पीछे से शून्यों की संख्या निकालना, किसमें फैक्टोरियल एन में, किसमें फैक्टोरियल एन में। तो हमने आज अभी 2 कॉन्सेप्ट कर लिए हैं, पहले तो हमने टोटल फैक्टर्स निकालना सीखा, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, प्राइम फैक्टर, ठीक है पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने देखा कि जीरो की संख्या निकालना, 2 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, एक नॉर्मल प्रोडक्ट में बनेगा तो उसमें हमें 2 × 5 दोनों देखना है, जिसकी पावर कम आएगी वो लेना है, ठीक है। फिर फैक्टोरियल एन में यदि हमें जीरो की संख्या चाहिए तो उसमें हमें पता है कि 2 ज़्यादा बार ही आएगा, तो हमने हमेशा 5 को ही लेना है, और 5 को भी कैसे लेके करना है मैंने आपको तरीका बता दिया, फॉर्मूला मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि किताबों में भी जनरली आपको दिखेगा तो पता होना चाहिए, बाकी करने का तरीका यही रहेगा, इसी को फॉलो करोगे आंसर जल्दी निकाल पाओगे, जल्दी निकलेगा भी, ठीक है। तो ये चीज़ थी हमारी जीरो निकालने का, ये सब हमने तो डिस्कस कर ही लिया। चलो ये एक लास्ट कौन से बचा जी, के द हाईएस्ट पावर ऑफ अ प्राइम नंबर पी विच डिवाइड्स फैक्टोरियल एन एग्जैक्टली इज गिवन बाय, मतलब फैक्टोरियल एन में अभाज्य संख्या पी की अधिकतम घात जैसे अभी आपने बोला ना 49 लिखा था, फैक्टोरियल 50 लिखा था, फैक्टोरियल 100 लिखा था, अब ऑब्वियस सी बात है इन सभी में इसका मतलब आप लोग जानते हैं ना, फैक्टोरियल 49 का मतलब है 49 से लेके 1 तक का प्रोडक्ट, तो इसमें प्राइम नंबर भी आएंगे और कंपोजिट नंबर भी आएंगे, दोनों ही आ जाएंगे। तो पहले तो आप पहले प्राइम नंबर का समझ लो, यदि आपको प्राइम नंबर का समझ आ गया ना, अभाज्य संख्या का समझ आ गया, तो आप कंपोजिट नंबर का ऑटोमेटिकली निकाल लोगे क्योंकि आपने जीरो निकालना सीख लिया, इसलिए आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। अब इसमें यदि मैंने आपसे बोला कि इसमें 2 की अधिकतम घात भाई ऑब्वियसली बात है, अभी हम बात ही कर रहे हैं कि भाई 2 ज्यादा बार आएगा तो 2 कितने बार आएगा मैक्सिमम बताओ जरा, इसमें फैक्टर 49 में 2 जो अधिकतर बार आएगा, अधिकतम बार आएगा, मैक्सिमम जो पावर आएगी 2 की वो कितनी होगी,
इसमें बताओ कि तीन की अधिकतम घात कितनी होगी, तीन की जो अधिकतम घात होगी वो कितनी होगी। इसमें बोला जा रहा है कि बताओ पांच की अधिकतम घात कितनी होगी, पांच की, पांच की अधिकतम घात क्या होगी। ठीक है, सेम फॉर्मूला है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन n by p plus n by p square plus n by p का क्यूब। एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट है और इसी का ये जनरलाइजेशन है, और वो जो आपने जीरोस निकाले फैक्टोरियल में वो एक स्पेसिफिकेशन है। आप पीछे से जो शून्यों की संख्या निकाले दो इंटू पांच में, आपने पांच लिया, लेकिन बेसिकली ये जनरलाइजेशन है कि किसी भी फैक्टोरियल में किसी प्राइम नंबर की जब अधिकतम घात निकाली जाएगी तो उसका फॉर्मूला यही है, तरीका भी हमारा यही रहेगा। यदि मैंने आपसे बोला कि फैक्टोरियल 49 में दो की अधिकतम घात बताओ तो क्या करोगे, देखो जरा 49 में हमने दो से भाग लगा लिया, दो दूनी चार, दो चौको आठ, बाकी वो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसमें हम डेसिमल को तो लेने ही नहीं, इसलिए 24 लिख दिया। 24 में दो से भाग लगाया 12, 12 में दो से भाग लगाया 6, फिर 6 से दो से भाग लगाया 3, 3 में दो से भाग लगाया 1, अब बस हो गया। तो अब काउंट कर लेंगे, 24 6 30, 30 और 15 45, 45 और 1 46। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 49 में जो दो की अधिकतम घात होगी वो कितनी होगी भाई, 46 होगी, मतलब दो जो है वो 46 टाइम्स आएगा, तो अधिकतम घात कितनी होगी, 46 होगी। मैंने आपसे बोला कि फैक्टोरियल 50 में तीन की अधिकतम घात क्या होगी, फैक्टोरियल 50 में तीन की अधिकतम घात बताओ, फैक्टोरियल 50 में तीन की अधिकतम घात बताओ, फैक्टोरियल 50 में तीन की अधिकतम घात, ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है। तो 50/3 भाग कर लेते हैं, 3 एकम 3 और 2 बचे 3 6 18, ठीक है, 16 में 3 से भाग लगा लेते, 3 5 15, 5 में भी 3 से भी भाग जाएगा, 3 एकम 3, तो आंसर हो गया 16 5 21 21 और 1 22, ये हमारे क्या हो गया आंसर हो गया। तो यदि आपसे बोला जाए कि किसी भी फैक्टोरियल में किसी प्राइम नंबर की अधिकतम घात क्या होगी, प्रोसेस बिल्कुल वही है, आपको भाग लगा देना है, जिस प्रकार से भी हम लोग जीरो निकाल रहे थे बिल्कुल सेम पैटर्न है। मैंने आपसे कहा था कि फैक्टोरियल 100 में बताओ 5 की अधिकतम घात क्या है, तो भाई 100 में 5 से भाग लगाया 20 बार गया, 20 में 5 से भाग लगाया 4 बार गया, अब तो जाएगा नहीं भाग, तो आंसर हो गया हमारा कितना भाई, 24। ये कितना हो गया हमारा, 24 हो गया, ये आंसर है। तो आपने ये देखा कि फैक्टोरियल n में किसी भी अभाज्य संख्या p की अधिकतम घात निकालने के लिए आपको करना क्या है, प्रोसेस समझ में आ गया। अब जैसे उसने कंपोजिट नंबर बोला, जैसे उसने कंपोजिट नंबर बोला, उसने जैसे ही भाज्य संख्या या आपको संयुक्त संख्या दी, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसने यदि 6 बोल दिया, क्या बोल दिया, 6 बोल दिया, अब 6 किस किस से मिलके बना है भाई, 2 से मिलके बना और 3 से मिलके बना है। यदि उसने भाई 12 बोला तो 12 किस किस से मिलके बना है, 2 की घात 2 × 3 से मिलके बना है। भाई 15 बोला तो 15 किससे मिलके बना है, 3 और 5 से मिलके बना है। 18 बोला, 18 किससे मिलके बना है, 3 का स्क्वायर और ये 9 × 18 मिलके बना है। 20 किससे बना है, 20 2 की घात 2 × 5 से मिलके बना है, कोई दिक्कत नहीं। यदि वो 20 की घात पूछे, 6 की घात पूछे, 15 की घात पूछे, तो अब हमें सीधा कंपोजिट नंबर से भाग नहीं करना, अब हमें चुनना है, अब हमें क्या करना है, चुनना है, सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करना है कि 2 और 3 में लीस्ट पावर किसकी, भाई 6 बनाना है ना, जैसे अभी आप लोग 10 बना रहे थे, तो 10 बनाने के लिए 2 × 5 का पेयर चाहिए था, ऑब्वियस सी बात है, तो जिसकी भी पावर लीस्ट होगी वही लिया जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है यार, जब दो नंबर आ रहे हैं 2 और 3, तो 2 के लिए अप्लाई करके देख लो, 3 के लिए अप्लाई करके देख लो, जो ज़्यादा बार आए उसे हटा दो, जो कम बार आएगा उसी की पावर उतनी बनेगी, वही नंबर आपका आंसर हो जाएगा। भाई 2 आया और 3 आया, प्राइम नंबर 2 3 ही है भाई, 12 में 2 ही प्राइम नंबर, 2 और 3, 2 से भाग लगाओ 3 से भाग लगाओ। लेकिन जिसकी भी घात कम आएगी, मतलब जिसकी भी जो रिजल्ट आएगा यहाँ से, वो जो कम आएगा वो आपको आंसर ले लेना यार। देखो जरा, मैंने आपसे बोला फैक्टोरियल 50 में 6 कितनी बार आएगा, 6 कितनी बार आएगा, तो आपको पता है 6 किससे मिलके बना, 2 और 3 से मिलके बना, 6 किससे मिलके बना, 2 और 3 से मिलके बना। लो अप्लाई कर देते हैं, 25 12 6 3 1, ये काउंट ऐड कर लेते हैं, 6 3 और 1 10 10 और 12 22 22 और 25 47, ये 47 बार आ रहा है, कितने बार आ रहा है, 47 बार आ रहा है। अब 3 निकालते हैं, 16 3 48, 3 5 15, 3 1 3 16 5 21 21 और 22, क्या आ रहा है,
ऑब्वियसली बात है, किसी सेम नंबर में आप ये बताओ कि आप बड़े नंबर से भाग लगाओगे तो छोटी संख्या प्राप्त होगी ना, और किसी संख्या में यदि छोटी संख्या से भाग लगाओगे तो बड़ी संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ जब छोटी संख्या से भाग लगाओगे तो नंबर ज़्यादा निकलेगा, और जब आप बड़ी संख्या से भाग लगाओगे तो नंबर कम निकलेगा। तो ऑब्वियसली बात है, दो और तीन में भाई घात किसकी कम आएगी, बड़े नंबर की घात कम आएगी। तो बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे, तीन, तो आपने निकाल दिया। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हमेशा ही आएगा, कुछ सर्टेन कंडीशन हो सकती हैं, जैसे यदि दो, यदि 12 बोलता, दो की घात दो, और ये कितना हो गया, चार तीन बारह। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इसको आधा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आधा। यदि मैं सेम में पूछूं कि फैक्टोरियल 50 में 12 की अधिकतम घात क्या होगी, तो आपने दो के लिए निकाला कितना है 47, तो घात दो है क्योंकि दो की घात दो चाहिए, तो 47 को आपने आधा कर दिया, मतलब ये हो गया 2 × 4 = 23, तो 23 आया रिजल्ट, कितना आया 23 आया। फिर आपने तीन निकाला, और तीन निकाला तो कितना है 22 आया। अभी भी 22 और 23 में कौन सा कम है भाई, कौन सा कम है, 22 कम है, तो आपको कम वाला ही आंसर लेना है। तो कभी कभी सर्टेन कंडीशन ऐसी हो सकती है कि बड़ा नंबर भली प्राइम नंबर 3 है, उसकी घात आपकी कम आ जाए। कारण ये कि जो दो की घात होगी ना, उतने से भाग लगाना पड़ेगा क्योंकि चार चाहिए आपको। तो यहाँ पे हमने दो प्राइम नंबर के लिए निकाले 47, लेकिन ये दो भाग लगा देंगे तो ये 23 हो गया। तो कभी कभी यदि कम हो गया तो वो रिजल्ट उस पर बेस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी यदि प्राइम नंबर आ रहा है तो उसका तो आंसर सीधा आप लोग जानते हैं, लेकिन जब कंपोजिट नंबर की पार पूछेगा तो वो जिस भी प्राइम नंबर से मिलके बना है उनमें से जिसकी भी कम घात आएगी, जिसकी भी कम घात आएगी वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये है आपका कॉन्सेप्ट कि किसी फैक्टोरियल n में किसी प्राइम नंबर या किसी भी कंपोजिट नंबर की अधिकतम घात कितनी होगी, कैसे निकाली जाएगी, ये इसके करने का तरीका है। आशा करता हूँ आप लोगों को चीज़ समझ आ रही होगी, लेकिन ये थोड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में है इसलिए हमें पता होना चाहिए, ठीक है भाई। कहाँ थे हम, आ जाते हैं वापस अपने पीपीटी पर। हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया है। चलो ये देख लो, ये आप बता सकते हैं, मुझे लगता है बिल्कुल आपसे बोला जा रहा है कि फैक्टोरियल 127 में पांच कितने बार आएगा, पांच अधिकतम घात, प्राइम नंबर 5 है ना, ठीक है निकाल लेते हैं यार। 127 में हम पाँच से भाग लगा लेते हैं, 5 × 10 25 से 5 से भाग लगा लेते हैं, 25 के 5 से 5 बार, एक बार भाग जाएगा तो आंसर हो जाएगा 25 × 5 = 30, 30 और कितना 31, ही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। जिसकी भी घात बोला बस उससे भाग लगाते चले जाना है कंटिन्यूशन में, इस प्रकार से आपका आंसर सीधा निकल के आ जाएगा। 127 से 5 से भाग लगाए 25 बार, 25 5 से भाग लगाए 5 बार, 5 से 5 लगाए एक बार, आंसर हुआ 31, ये आपका आंसर। क्लियर है भाई? चलो ये कुछ क्वेश्चन है और ये लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका, बस इसमें एक में आपको बता दे रहा हूँ, बाकी के आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। एक आपको मैं निकाल के बता दे रहा हूँ, लाइक 84 का बता दे रहा हूँ, बड़े नंबर का, बाकी आप लोग करिएगा। 342 पे बोला है, अब 84 किस किस से मिलके बना, 84 की अधिकतम घात बोला है, 84 किस किस से मिलके बना, देखो जरा 84 या 12 से 84, 12 मतलब 2 की घात 2 * 3 * 7, ठीक है। अब देखो 2 की घात 2, 3 और 7, अब ऑब्वियसली बात है यार कि 342 में 2 से भाग करोगे, 2 से रिजल्ट निकालोगे, उसकी पावर को आधा करना पड़ेगा, फिर 3 से भाग करोगे तो 3 का एक रिजल्ट आएगा भाई 7 का, मैं दिखा भी दे रहा हूँ आपको, फिर समझ जाना। चलो 342 में 2 से भाग लगा लेते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, 2 × 1 = 2, फिर 171 में भाग लगाते हैं, 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10, 85 से भाग लगा लेते हैं, 2 × 8 = 2, 2 × 4, फिर 42 से भाग लगा लेते हैं 2 में 21 बार, 21 में 2 से भाग लगाते हैं 10 बार, 10 में 2 से भाग लगाते हैं 5 बार, 5 में 2 से भाग लगाते हैं 2 × 4 बार, और फिर 2 में 2 से भाग लगाते हैं 1 बार। फिर हम सबको ऐड करते हैं, ऐड भी तो करना ना भाई, चलो जोड़ लेते हैं, 5 से 7 7 और 1 8 मतलब 18, 18 मतलब 39, तो 39 यहाँ ऐड कर लेते हैं, 39 और 1 40 हो रहा है, 40 और 170 मतलब 210 हो रहा है, 210 और 5 2 7 8 4 12, 7 2 और 1 3 और ये 3, 337 हो रहा है, तो 337 में 2 से भाग लगा लेंगे क्योंकि पावर कितनी है 2 है, तो ये 2 की घात आ रहा है, 2 × 1 = 2 और 2 × 6 = 12 और 2 × 8 = 16, मतलब 168 टाइम्स, ठीक है। चलो अब 3 पे निकाल लो, मैं निकालना नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ निकाल के, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 3, 3 × 6 = 12, 3 से भाग लगा लेते 3 के अंदर 3 × 8 = 24, फिर 38 में 3 से भाग लगाएंगे, 3 × 3 = 3, 3 × 6, फिर 3 × 6 = 12, फिर 3 × 3, तो सबको ऐड कर लेते हैं भैया, सबको ऐड कर लेते हैं,
30, 40, 50, 55 मतलब 5 और 9, 169 तो 3 की पावर आ रही है 169। ठीक है भाई, ठीक है मैं इसको हटा दे रहा हूँ ना, ये अपन ने निकाल तो लिया, निकालना तो आपको आता ही है, निकालना आती है। चलो अब हम कर लेंगे ना 7। चलो तो 342 / 7, 7 × 28, 28 और 6 तो 7 × 56। ठीक है ये कितना हो जाएगा, 7 × 6 = 42 बस है ना, तो ये हो गया। चलो 7 की घात आएगी भाई। चलो आप खुद बताओ ये वेल एंड स्टूडियो ऐसा निकाला नहीं जाएगा, मतलब थोड़ा सा आप अपना स्मार्ट वर्क करना ना, आपको मैंने पहले ही बताया 2 की घात 2 × 3 × 7 है तो ये छोटे नंबर है, इतनी बड़ी संख्या में जब आप छोटे नंबर से भाग लगाओगे तो उसकी पावर ज़्यादा आएगी इंस्टेड ऑफ बड़े नंबर से भाग लगाओगे। जब आपने बड़े नंबर से भाग लगाया तो पावर कितनी आई, 54 आई, और जबकि बाकी से क्या आई, बाकी से क्या आई, आपको क्या आई कम, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे जो पेयर चाहिए 84 का उसमें आपको लीस्ट पावर लेनी पड़ेगी, और इन सब में 2 × 3 × 7 की जो लीस्ट पावर होगी वो 54 ही निकलेगी। 169 ये आ रहा है, ये 168 ये आ रहा है, ये भी आ जाएगा, लेकिन क्या 7 की पावर 168 है आपके पास, नहीं है, तो 7 की पावर 54 यहाँ भी है तो 2 × 3 × 7 का जो आपका पेयर बनेगा वो 54 टाइम्स का एक साथ बनेगा, तो आपकी जो पावर होगी 54 हुई, इसीलिए यहाँ पर जो 84 की जो हाईएस्ट पावर होगी वो आपका आंसर कितना होगा, 54। तो आपको इन सब में ट्राई नहीं करना, आपको दिखना चाहिए कि जो बड़ा नंबर होगा उसकी पावर आपकी कम आती है, इसलिए उसको ही हम लें। क्लियर है, थोड़ा सा रिस्क आपको लेना है तो आप इसको ले सकते हैं, जैसे 2 की घात 3 आ रहा है कभी, 2 की घात 4 आ रहा है कभी, तो उसमें आप ले सकते हैं, उस पर निकालना, उस पर हो सकता है कि कम आ जाए। ठीक है, अदरवाइज 3 पर 5 पर तो कभी कम नहीं आएगा, 7 पर ही हमेशा कम आएगा, तो आप उसको ही पहले प्रायोरिटी पर रखेंगे। क्लियर है भाई, तो ये था आपका फैक्टोरियल एन में प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर दोनों की ही मैक्सिमम पावर निकालना। ठीक है, बाकी के 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए आप लोग करेंगे। चलिए तो ये आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट था भाई, वो पूरा का पूरा बेस था नंबर ऑफ फैक्टर्स पे और नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस पर और नंबर ऑफ क्या मैक्सिमम पावर निकालने का किसी फैक्टोरियल में। मैंने आप सारी चीज़ें डिस्कस कर दी, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बात करें तो। ठीक है, तो ये बस एक लास्ट हमारा टॉपिक बचा है रिमाइंडर, और फिर दूसरा है AP GP HP। ठीक है, तो बस 2 ही चैप्टर बचे हैं इंपॉर्टेंट वाले, बस उस पर भी क्वेश्चन क्योंकि जनरली ज़्यादा आपको मिलेंगे, वो चैप्टर होने के बाद हमारा नंबर सिस्टम का दी एंड होगा, उसके बाद हम शुभारंभ करेंगे LCM और SCF का। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जुड़े रहिएगा, और यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि क्या होगा कि कभी भी वीडियो की, जैसे आपको पता है कि वीडियो जो प्रीमियर होता है वो इवनिंग में प्रीमियर होता है 7 to 8, तो वो हो सकता है कि नोटिफिकेशन आपको ना मिल पाता, तो कारण इसका ये है कि आपने नोटिफिकेशन बेल को प्रेस नहीं किया है, तो आप उसको प्रेस करके रखें, तो जो भी जब भी वीडियो आपका प्रीमियर होगा वो आप तक उसकी सूचना मिल जाएगी। जैसे आप लोगों को बताया व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन ऑन करके रखा है ना, इंस्टाग्राम मैसेंजर का, तो ऊपर पॉपअप हो जाता है मैसेज, वैसे ही यहाँ पर भी आपको जो मैसेज होगा पॉपअप हो जाएगा आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, इसलिए जो भी अपने साथी हो उनको भी आप लोग शेयर कर दीजिएगा। बाकी यदि किसी ने टेलीग्राम चैनल नहीं जोड़ा है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रख लीजिएगा, क्योंकि बाकी सारी भी अपडेट्स आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी। ठीक है, तो इसी के साथ आप लोग जुड़े रहिएगा, तब तक के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में, थैंक यू।